कैसे हॉरर फैंस हो? घर आए भूत को नहीं पहचानते हो? भूत? कहाँ? भूतनी के यहाँ। भूतनी बन कैटरीना कैफ ने ईशान सिद्धार्थ की नाक में किया दम। फोन बूथ का जबरदस्त ट्रेलर हुआ रिलीज। कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। इस फिल्म में जहां सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर भूत बस्टर का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कैटरीना कैफ भूतनी बनकर सबके दिलों को जीत रही है। फिल्म में कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी दर्शकों को काफी लुभा रही है। वहीं फोन बूथ में एक्टर जैकी श्रॉफ नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर रहा है। यहां देखें कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की फिल्म फोन बूथ के ट्रेलर को ट्विटर पर कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं। फोन बूथ के ट्रेलर, एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, जबरदस्त कैटरीना, बहुत अच्छी लग रही है, वह इस फिल्म में सबसे प्यारी भूत लग रही है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, फोन बूथ का एनर्जेटिक ट्रेलर को काफी एंजॉय किया, कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी स्क्रीन पर काफी अच्छी लग रही है, जबरदस्त प्रोमो, 4 नवंबर का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। एक और यूजर ने फिल्म के ट्रेलर पर जबरदस्त रिएक्शन देते हुए लिखा, ट्रेलर रिलीज हो गया है, फिल्म को लेकर कमेंट सब कुछ कर रहे हैं, भारतीय सिनेमा की सबसे चहेती एक्ट्रेस। फोन भूत की बात करें तो कैटरीना कैफ इस फिल्म में ऐसी भूत बनी है जो आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की मदद लेती है। बता दें कि फिल्म में ईशान और सिद्धांत के पास ऐसी शक्ति है जिसमें वह भूतों को देख सकते हैं। वहीं आत्माराम बने जैकी श्रॉफ फोन भूत में कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ को कड़ी टक्कर देंगे। बता दें कि गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित ये फिल्म 4 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ग्लैमरस भूतनी बन कैटरीना कैफ ने ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी को किया अपने भूतिया बिजनेस प्लान में शामिल। ट्रेलर में मिली भयानक कॉमेडी की झलक। जब से दर्शकों ने कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर स्टारर फोन बूथ का पहला पोस्टर देखा है, दर्शक फिल्म की और झलक पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लंबे समय तक इंतजार न करने के बाद आखिरकार इस सबसे बहुप्रतीक्षित कॉमेडी ऑफ हॉरर का ट्रेलर जारी हो चुका है, और हम गारंटी देते हैं कि यह भूतिया ट्रेलर है जो इस साल का सबसे मजेदार ट्रेलर होगा। फोन बूथ पिछले काफी समय से शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां फिल्म दर्शकों के लिए अपनी दिलचस्प शैली की कॉमेडी ऑफ हॉरर के लिए बातचीत कर रही है। वहीं इसने कैटरीना कैफ को पहली बार सबसे सुंदर भूत के रूप में देखने के लिए भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। अंत में इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि निर्माता हमें इसके भयानक रोमांच की एक झलक देने के लिए ट्रेलर के साथ यहाँ है, जो बहुत सारे प्रफुल्लित करने वाले और मजेदार क्षणों से भरपूर है। ट्रेलर वास्तव में अपनी तरह का एक है जिसे दर्शक इस साल देखेंगे, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान को भूत शिकारी की भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है, जबकि वे दुनिया की सबसे खूबसूरत भूत कैटरीना कैफ से मिलते हैं और वे पूरी तरह से एक व्यवसायी के साथ एक मजेदार और भयानक यात्रा पर जाते हैं। ट्रेलर में इतना मजा आता है कि दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि जहां एक तरफ वे कैटरीना को खुद का मजाक उड़ाते हुए देखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वे कई भयावह अनुभवों के बीच हंसी के ठहाकों का अनुभव करेंगे। इसके अलावा फोन बूथ एक और कॉमेडी ऑफ हॉरर होगी, जिसे दर्शक इस साल ब्लॉकबस्टर भूलभुलैया 2 के बाद देखेंगे। हालांकि दर्शकों ने इस दिलचस्प और मजेदार शैली के लिए अपार प्यार दिखाया है, हम उम्मीद कर सकते हैं फोन बूथ इसका एक होगा। ऐसी फिल्में जिन्हें देखना वाकई मजेदार होगा। असल में कहा जाए तो फोन बूथ कोई हॉरर कॉमेडी नहीं है, बल्कि यह कॉमेडी ऑफ हॉरर है। ये एक क्रेजी मजेदार रोमांस से भरा है, जो पॉप कल्चर और फिल्म के सिचुएशन के साथ जाता है और भूतों और परिहास की एक अलग दुनिया बनाने के लिए अपने साथ लेकर चलता है। फिल्म का टोन इंटरैक्टिव है, जिसमें किरदार चौथी दीवार को तोड़ते हैं और दर्शकों को मजाक और रोमांस से डुबोते हैं।
असल में बात की जाए तो यह अच्छाई बनाम बुराई की कहानी है। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित और रवि शंकरन और जसविंदर सिंह बाद द्वारा लिखित फोन बूथ एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जिसके प्रमुख रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर है। ये फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। भूत कैटरीना कैफ के साथ भूत पकड़ने निकले सिद्धार्थ और ईशान। कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर फोन बूथ का ट्रेलर आउट हो गया है। ट्रेलर में कैटरीना कैफ को एक भूत के रूप में दिखाया गया है, वहीं ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी भूत पकड़ने वाले बने हुए हैं। तीनों मिलकर एक मिशन पर निकलते हैं। फिल्म में जैकी श्रॉफ को भी एक बुरी शक्ति के रूप में दिखाया गया है, जिसका नाम है आत्माराम। ये फिल्म एक बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी के रूप में दर्शकों के लिए पेश की जाएगी। फिल्म में कॉमेडी आइटम सॉन्ग के अलावा कुछ गंभीर क्षण को भी देखे जा सकते हैं। वहीं फिल्म में कैटरीना कैफ को एक जगह खराब हिंदी को लेकर भी एक कमेंट करते हुए देखा जा सकता है। ट्रेलर में शिवा चड्ढा भूत के रूप में नजर आती हैं, जो मोक्ष कहने में असमर्थ है। तभी कैटरीना, जो मर चुकी है, वो कहती है, तुम्हारी हिंदी कमजोर है। ट्रेलर में कई जगहों पर पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की कुछ झलकियां भी देखी जा सकती है, जिसमें कोई मिल गया और सिद्धार्थ की 2019 की फिल्म गली बॉय शामिल है। जानवरों का अंदाज है कि भूलभुलैया 2 की सफलता के बाद इस जॉनर की फिल्म को भी दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। फोन बूथ का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है। इसका निर्माण स्केलर एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है। 4 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए ये फिल्म पूरी तरह तैयार है। आगे मत जाओ यार, ए भाई अंदर रहना, पीछे रहो रे, पीछे आ तेरे पास वाले को भाई जी। अंदर है कृष्णा जी, मार के कहां आगे जा रहे हो यार? यहां पे मैम कृष्णा जी, यहां पर जाते समय लेके जाना। थैंक यू मैम। सर तांबे, चंकी सर, चंकी सर, चंकी सर, लुक सर, यहाँ ऊपर ऊपर
सर यहाँ पे नाइस मूवी सर सर थोड़ा राइट में आ जाओ पीछे ट्रेलर सर यहाँ देखो ना बाजू में खड़ा है पीछे आ जाओ बोले बाउल भाई आ जाओ आ जाएंगे टेंशन मत लो चलते हैं भूतनी बन कैटरीना कैफ ने ईशान सिद्धार्थ की नाक में किया दम। फोन बूथ का जबरदस्त ट्रेलर हुआ रिलीज। कैटरीना कैफ ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ का ट्रेलर रिलीज हो गया है जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। इस फिल्म में जहां सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर भूत बस्टर का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं तो वहीं कैटरीना कैफ भूतनी बनकर सबके दिलों को जीत रही है। फिल्म में कैटरीना ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी दर्शकों को काफी लुभा रही है। वहीं फोन बूथ में एक्टर जैकी श्रॉफ नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर रहा है। यहां देखें कैटरीना कैफ ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की फिल्म फोन बूथ के ट्रेलर को ट्विटर पर कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं। फोन बूथ के ट्रेलर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, जबरदस्त कैटरीना बहुत अच्छी लग रही है।
वह इस फिल्म में सबसे प्यारी भूत लग रही है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, फोन भूत का एनर्जेटिक ट्रेलर को काफी एंजॉय किया। कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी स्क्रीन पर काफी अच्छी लग रही है। जबरदस्त प्रोमो, 4 नवंबर का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। एक और यूजर ने फिल्म के ट्रेलर पर जबरदस्त रिएक्शन देते हुए लिखा, ट्रेलर रिलीज हो गया है, फिल्म को लेकर कमेंट सब कुछ कर रहे हैं, भारतीय सिनेमा की सबसे चहेती एक्ट्रेस। फोन भूत की बात करें तो कैटरीना कैफ इस फिल्म में ऐसी भूत बनी है जो आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की मदद लेती है। बता दें कि फिल्म में ईशान और सिद्धांत के पास ऐसी शक्ति है जिसमें वह भूतों को देख सकते हैं। वहीं आत्माराम बने जैकी श्रॉफ फोन भूत में कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ को कड़ी टक्कर देंगे। बता दें कि गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित ये फिल्म 4 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ग्लैमरस भूतनी बन कैटरीना कैफ ने ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी को किया अपने भूतिया बिजनेस प्लान में शामिल। ट्रेलर में मिली भयानक कॉमेडी की झलक। जब से दर्शकों ने कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर स्टारर फोन भूत का पहला पोस्टर देखा है, दर्शक फिल्म की और झलक पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लंबे समय तक इंतजार न करने के बाद आखिरकार इस सबसे बहुप्रतीक्षित कॉमेडी ऑफ हॉरर का ट्रेलर जारी हो चुका है और हम गारंटी देते हैं कि यह भूतिया ट्रेलर है जो इस साल का सबसे मजेदार ट्रेलर होगा। फोन भूत पिछले काफी समय से शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां फिल्म दर्शकों के लिए अपनी दिलचस्प शैली की कॉमेडी ऑफ हॉरर के लिए बातचीत कर रही है। वहीं इसने कैटरीना कैफ को पहली बार सबसे सुंदर भूत के रूप में देखने के लिए भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। अंत में इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि निर्माता हमें इसके भयानक रोमांच की एक झलक देने के लिए ट्रेलर के साथ यहाँ है, जो बहुत सारे प्रफुल्लित करने वाले और मजेदार क्षणों से भरपूर है। ट्रेलर वास्तव में अपनी तरह का एक है जिसे दर्शक इस साल देखेंगे, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान को भूत शिकारी की भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है, जबकि वे दुनिया की सबसे खूबसूरत भूत कैटरीना कैफ से मिलते हैं और वे पूरी तरह से एक व्यवसाय के साथ एक मजेदार और भयानक यात्रा पर जाते हैं। ट्रेलर में इतना मजा आता है कि दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि जहां एक तरफ वे कैटरीना को खुद का मजाक उड़ाते हुए देखेंगे तो वहीं दूसरी तरफ वे कई भयावह अनुभवों के बीच हंसी के ठहाकों का अनुभव करेंगे। इसके अलावा फोन भूत एक और कॉमेडी ऑफ हॉरर होगी जिसे दर्शक इस साल ब्लॉकबस्टर भूलभुलैया 2 के बाद देखेंगे। हालांकि दर्शकों ने इस दिलचस्प और मजेदार शैली के लिए अपार प्यार दिखाया है, हम उम्मीद कर सकते हैं फोन भूत इसका एक होगा। ऐसी फिल्में जिन्हें देखना वाकई मजेदार होगा। असल में कहा जाए तो फोन भूत कोई हॉरर कॉमेडी नहीं है, बल्कि यह कॉमेडी ऑफ हॉरर है। ये एक क्रेजी मजेदार रोमांस से भरा है जो पॉप कल्चर और फिल्म के सिचुएशन के साथ जाता है और भूतों और परिहास की एक अलग दुनिया बनाने के लिए अपने साथ लेकर चलता है। फिल्म का टोन इंटरेक्टिव है जिसमें किरदार चौथी दीवार को तोड़ते हैं और दर्शकों को मजाक और रोमांस से डुबोते हैं। असल में बात की जाए तो यह अच्छाई बनाम बुराई की कहानी है। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित और रवि शंकरन और जसविंदर सिंह बाद द्वारा लिखित फोन भूत एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जिसके प्रमुख रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर है। ये फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। भूत कैटरीना कैफ के साथ भूत पकड़ने निकले सिद्धार्थ और ईशान। कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर फोन भूत का ट्रेलर आउट हो गया है। ट्रेलर में कैटरीना कैफ को एक भूत के रूप में दिखाया गया है, वहीं ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी भूत पकड़ने वाले बने हुए हैं। तीनों मिलकर एक मिशन पर निकलते हैं। फिल्म में जैकी श्रॉफ को भी एक बुरी शक्ति के रूप में दिखाया गया है जिसका नाम है आत्माराम। ये फिल्म एक बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी के रूप में दर्शकों के लिए पेश की जाएगी। फिल्म में कॉमेडी आइटम सॉन्ग के अलावा कुछ गंभीर क्षण को भी देखे जा सकते हैं।
वहीं फिल्म में कैटरीना कैफ को एक जगह खराब हिंदी को लेकर भी एक कमेंट करते हुए देखा जा सकता है। ट्रेलर में शिवा चड्डा भूत के रूप में नजर आती हैं, जो मोक्ष कहने में असमर्थ है। तभी कैटरीना जो मर चुकी है वो कहती है, तुम्हारी हिंदी कमजोर है। ट्रेलर में कई जगहों पर पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की कुछ झलकियां भी देखी जा सकती है, जिसमें कोई मिल गया और सिद्धार्थ की 2019 की फिल्म गली बॉय शामिल है। जानवरों का अंदाज है कि भूलभुलैया 2 की सफलता के बाद इस जॉनर की फिल्म को भी दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। फोन बूथ का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है। इसका निर्माण स्केलर एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है। 4 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए ये फिल्म पूरी तरह तैयार है। Was the like how did you guys pick this script? What was exciting about the script for you guys? I have the mic. Good morning, everybody. So I think the most exciting thing of the script was just the world which was set in. So the writers, I think, full credit to Ravi and Jassy when they came. They narrated the script, and I think their narration just blew us over. Okay. It is a very unique story, and you'll see it why. When you see the trailer, you'll know why. Yeah. So I think in its first narration itself, it just was something we said we have to go out and make this film. So it was like very instinctive, and it's an amazing story. Lovely. Farhan, I have a question for you. I've seen the trailer, but I still want to know, how would you define the genre of this film? Normally आपने सुना होगा कि firstly hello everyone, thank you so much for being here. You normally have heard of horror comedy, you've heard of, but this is a comedy of horrors. Is basically how I would define this genre. Comedy of horrors. And I have one more question for the two of you. You guys are the boys who started Excel Entertainment, but it's a two-man team. So ऐसा कभी होता है that one of you really likes the script or the idea and the other one absolutely hates it. And then what do you do if that happens? I think whenever there's a disagreement, we do what I think normally people would do. We arm wrestle. पंजा लड़ते हम लोग. और जो भी जीतता है उसकी बात नहीं सुनी जाती. वो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. आप सोचिए इसके बारे में. गुरमीत माय मैन, हाउ डज इट फील? योर फिल्म इज कमिंग आउट. फर्स्टली हाउ डज इट फील? आर यू वेरी एक्साइटेड? वेरी वेरी एक्साइटेड. Very nervous, very anxious, but very excited. Very excited. I have to ask you something. You know, इसके पहले आपने मिर्जापुर बनाया, which has a lot of crime and violence. This film has a lot of ghosts and horror. So my question is, what is wrong with you? What is आप ऐसे topics क्यों choose कर रहे हो? You're actually right. मेरे माँबाप भी बहुत परेशान हैं इस चीज़ से. Actually, मेरे पापा ने बिठा के बोला कि बेटा positivity पे कुछ सोचो, कुछ positive लिखो, positive बातें करो. You know, positive towards life. तो फोन बूथ में जो हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं वो इतने पॉजिटिव है कि उनको कुछ बुरा दिखता ही नहीं है. तो उनको भूत भी पसंद आते हैं, उनसे भी प्यार होता है. तो दे आर इन लव विद नॉट ओनली लाइफ बट आल्सो द आफ्टर लाइफ. लवली. इफ आई कैन जस्ट ऐड, ऑफ कोर्स बात ये है कि मिर्जापुर में गुरु ने इतने लोगों को मारा है, कितनी जाने ली उसने, उनके भूत मंडरा रहे थे बहुत टाइम से. तो वो सब उसे कह रहे थे, यार अब तुमने तो मेरा मिर्जापुर में करियर खत्म कर लिया, मैं क्या करूँ. तो उससे कास्ट कर लिया इन सबको इस फिल्म में, इसलिए वो भूत की कहानी ढूंढ रहा था. इज़न्ट दैट राइट? एब्सोल्युटली. पैन इंडिया के भूत है इसमें. एंड गुरमीत, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट इज द बेस्ट थिंग एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग अ फिल्म डायरेक्टर? फरहान, आई एम श्योर यू आल्सो हैव एन आंसर फॉर दिस. वेरी डीप क्वेश्चन इट इज. तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज के शायद डायरेक्टर को कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि सब लोग बोलते हैं देयर इज समबडी फॉर एवरी जॉब, तो डायरेक्टर हैज नथिंग टू डू. And that is also the flip side of it. क्योंकि अगर director कुछ करना ही नहीं है तो how does he justify what he's there for? मैं जरा यहाँ खड़ा हो जाता हूँ because I don't. Thank you so much, guys. I can request you guys to take your seats. Give it up for Farhan, Ritesh, and Gurmeet, everyone. All right, now are you guys ready to meet the cast of the movie? Hi. Looking super slick and handsome. Thank you so much. All of you. So are you? I was called so that one average person is on stage. You know, average looking, so they can tell the difference. Oh, it's a good shirt. I like it. Yes, I have got approval from Katrina Kaif. I am done for the evening. I don't know why I'm saying evening for a morning. But thank you so much for coming out. I have a couple of questions for you guys. Number one, Ishan, firstly, I want to ask you something. Excel is known for making these buddy films, right? Dil Chahta Hai Main Teen Dost Goa Gaye. Okay, Zindagi Na Mile Gaya Main Teen Dost Europe Gaye. Is film mein aap teeno kahan ja rahe ho? First of all, namaskar, adab, hello everyone. It's so good to be in a theater which is packed, and we're here to share our trailer today, so we're super excited. Badi film mein bahut banate hain, bahut badi badi film mein banate hain. Lekin is baar galti ho gayi. No, our film is a very unique, different
कॉमेडी ऑफ हॉरर्स लाइक सर ऑलरेडी सेट अप फॉर अस. एंड हम इस फिल्म में ट्रैवल कर रहे हैं इनटू द गेट्स ऑफ हेल व्हिच इज रूल्ड बाय जग्गू दादा. एंड आई वोंट वांट टू रिवील मच मोर देन दैट. लेकिन हम एक तांत्रिक के लेयर तक ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये थोड़ी अलग टाइप की ट्रैवल फिल्म है. इंटरेस्टिंग. कांट एवरीबडी कांट वेट टू वॉच द ट्रेलर. सेड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल्सो. Inside Edge ke liye you learned, I mean you know cricket, but you learned how to bowl properly. For Gully Boy you learned how to rap. Is film ke liye kya sikha? Tennis. Badminton sikhaya maine. Badminton sikhaya maine. You that taught wasn't her? For the film. That was just for exercise. Mera mic nahi chal raha. Chal raha. Awaaz aa rahi hai peeche tak. Abhi aa. To chillao na. Thank you. मैंने तो पता नहीं, बट मैम से मैंने बहुत कुछ सीखा. कटरीना से द वे शी गोस्टेड अस, यू नो, ऑल द सिंगल बॉयज आउट देयर आफ्टर अ मैरिज, इज दैट आई थिंक व्हाट आई लर्नड अबाउट कटरीना. फर्स्ट फिल्म आफ्टर गेटिंग मैरिड, इज देयर एनी डिफरेंस? हाउ डू यू फील? नो, इट्स अमेजिंग. आई मीन द बेस्ट थिंग इज दैट नाउ आई कैन अस. Yeah, of course, it's the best thing. No, it's wonderful, really. It's wonderful being married. And the first person I could show the trailer to was, of course, my husband, and get a response like, "How do you like it?" So that was. Vicky Kaushal fans in the house. Yeah, Vicky's here. Lovely. That's fun. Yeah. Amazing. Very excited to see the trailer. You guys can take your seats as we play the trailer. Thank you so much. Oh, sorry. Before I have to call the main person. You already mentioned it, but guys, since he mentioned Jaggu Dada and Jackie Shroff, this day will be incomplete if we don't have him over here, right? So we have him waiting. Do you guys want him to come on stage? Yes. Can we have a big round of applause? Yes. Hello sir. Major Gullu. Baba, kai ko bulaya? Koi hai question? Ha ha sir, bahut sare question hai aapke liye to. We can do sorry. Acha, aawaz aa rahi hai na? Aap log aawaz aa rahi hai theek se? Ha? Theek hai. Acha, bol. सर बहुत सारे सवाल है, बट मुझे एक पूछना है कि आपकी फिल्म चॉइसेस बहुत इंटरेस्टिंग है आजकल. यू डिड ओके कंप्यूटर, यू डिड कॉल माय एजेंट बॉलीवुड, नाउ यू डूइंग फोन बूथ. आई हैव सीन द ट्रेलर, बहुत कूल रोल कर रहे हैं. आई वांट टू नो हाउ आर यू पिकिंग योर फिल्म्स दीस डेज, लाइक यू आर जस्ट हैविंग फन? या, हैविंग फन. पिकअप क्या होता है? कोई डायरेक्टर अच्छा लगता है, कोई कहानी अच्छी लगती है, प्रोडक्शन हाउस अच्छा लगता है, कास्ट अच्छा लगता है, समझ जाए ना बेटू. और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है 16 हो या 19 हो या 20 हो, ऊपर नीचे चलता है, खाली कड़क होना चाहिए. रोल कड़क होना चाहिए, समझा ना ब्रू. एंड सर वन मोर क्वेश्चन अबाउट योर स्टाइल एंड स्वैग. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू लुकिंग डैपर, बट इफ यू टू गिव मुझे एक टिप देते, अगर आप आई वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू, व्हाट स्टाइल और टिप वुड यू गिव टू मी? नाखून साफ रख, दांत साफ रख. That's a style tip and a hygiene tip for everyone. Or Niyat Safrak. Or Niyat Safrak. Thank you so much. Give it up for Jackie Shroff, Ishan Khattar, Katrina Kaif, Siddharth Chaturvedi, everyone. Thank you. You guys can take your seats. Ladies and gents, are you guys ready and excited to watch the trailer? Yes. All right. I think it's the moment that we're all here for. Yeah. We're going to move this. We're going to do a quick production thing. We'll pretend like nothing is happening over here as they bring the thing down. You guys want to sit here? Okay. I will call you guys back on stage after this. भूतनी बन कैटरीना कैफ ने ईशान सिद्धार्थ की नाक में किया दम. फोन बूथ का जबरदस्त ट्रेलर हुआ रिलीज. कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. इस फिल्म में जहां सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर भूत बस्टर का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कैटरीना कैफ भूतनी बनकर सबके दिलों को जीत रही है. फिल्म में कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी दर्शकों को काफी लुभा रही है. वहीं फोन बूथ में एक्टर जैकी श्रॉफ नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं. गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर रहा है. यहां देखें कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की फिल्म फोन बूथ के ट्रेलर को ट्विटर पर कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं. फोन बूथ के ट्रेलर, एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, जबरदस्त कैटरीना, बहुत अच्छी लग रही है, वह इस फिल्म में सबसे प्यारी भूत लग रही है. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, फोन बूथ का एनर्जेटिक ट्रेलर को काफी एंजॉय किया, कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी स्क्रीन पर काफी अच्छी लग रही है, जबरदस्त प्रोमो, 4 नवंबर का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है. एक और यूजर ने फिल्म के ट्रेलर पर जबरदस्त रिएक्शन देते हुए लिखा, ट्रेलर रिलीज हो गया है, फिल्म को लेकर कमेंट सब कुछ कर रहे हैं, भारतीय सिनेमा की सबसे चहेती एक्ट्रेस,
फोन भूत की बात करें तो कैटरीना कैफ इस फिल्म में ऐसी भूत बनी है जो आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की मदद लेती है। बता दें कि फिल्म में ईशान और सिद्धांत के पास ऐसी शक्ति है जिसमें वह भूतों को देख सकते हैं। वहीं आत्माराम बने जैकी श्रॉफ फोन भूत में कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ को कड़ी टक्कर देंगे। बता दें कि गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म 4 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ग्लैमरस भूतनी बन कैटरीना कैफ ने ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी को किया अपने भूतिया बिजनेस प्लान में शामिल। ट्रेलर में मिली भयानक कॉमेडी की झलक। जब से दर्शकों ने कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर स्टारर फोन बूथ का पहला पोस्टर देखा है, दर्शक फिल्म की और झलक पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लंबे समय तक इंतजार न करने के बाद आखिरकार इस सबसे बहुप्रतीक्षित कॉमेडी ऑफ हॉरर का ट्रेलर जारी हो चुका है और हम गारंटी देते हैं कि यह भूतिया ट्रेलर है जो इस साल का सबसे मजेदार ट्रेलर होगा। फोन भूत पिछले काफी समय से शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां फिल्म दर्शकों के लिए अपनी दिलचस्प शैली की कॉमेडी ऑफ हॉरर के लिए बातचीत कर रही है। वहीं इसने कैटरीना कैफ को पहली बार सबसे सुंदर भूत के रूप में देखने के लिए भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। अंत में इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि निर्माता हमें इसके भयानक रोमांच की एक झलक देने के लिए ट्रेलर के साथ यहाँ है, जो बहुत सारे प्रफुल्लित करने वाले और मजेदार क्षणों से भरपूर है। ट्रेलर वास्तव में अपनी तरह का एक है जिसे दर्शक इस साल देखेंगे, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान को भूत शिकारी की भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है, जबकि वे दुनिया की सबसे खूबसूरत भूत कैटरीना कैफ से मिलते हैं और वे पूरी तरह से एक व्यवसाय के साथ एक मजेदार और भयानक यात्रा पर जाते हैं। ट्रेलर में इतना मजा आता है कि दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि जहां एक तरफ वे कैटरीना को खुद का मजाक उड़ाते हुए देखेंगे तो वहीं दूसरी तरफ वे कई भयावह अनुभवों के बीच हंसी के ठहाकों का अनुभव करेंगे। इसके अलावा फोन भूत एक और कॉमेडी ऑफ हॉरर होगी जिसे दर्शक इस साल ब्लॉकबस्टर भूलभुलैया 2 के बाद देखेंगे। हालांकि दर्शकों ने इस दिलचस्प और मजेदार शैली के लिए अपार प्यार दिखाया है, हम उम्मीद कर सकते हैं फोन भूत इसका एक होगा। ऐसी फिल्में जिन्हें देखना वाकई मजेदार होगा। असल में कहा जाए तो फोन भूत कोई हॉरर कॉमेडी नहीं है, बल्कि यह कॉमेडी ऑफ हॉरर है। ये एक क्रेजी मजेदार रोमांस से भरा है जो पॉप कल्चर और फिल्म के सिचुएशन के साथ जाता है और भूतों और परिहास की एक अलग दुनिया बनाने के लिए अपने साथ लेकर चलता है। फिल्म का टोन इंटरेक्टिव है जिसमें किरदार चौथी दीवार को तोड़ते हैं और दर्शकों को मजाक और रोमांस से डुबोते हैं। असल में बात की जाए तो यह अच्छाई बनाम बुराई की कहानी है। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित और रवि शंकरन और जसविंदर सिंह बाद द्वारा लिखित फोन बूथ एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जिसके प्रमुख रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर है। ये फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। भूत कैटरीना कैफ के साथ भूत पकड़ने निकले सिद्धार्थ और ईशान। कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर फोन भूत का ट्रेलर आउट हो गया है। ट्रेलर में कैटरीना कैफ को एक भूत के रूप में दिखाया गया है, वहीं ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी भूत पकड़ने वाले बने हुए हैं। तीनों मिलकर एक मिशन पर निकलते हैं। फिल्म में जैकी श्रॉफ को भी एक बुरी शक्ति के रूप में दिखाया गया है जिसका नाम है आत्माराम। ये फिल्म एक बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी के रूप में दर्शकों के लिए पेश की जाएगी। फिल्म में कॉमेडी आइटम सॉन्ग के अलावा कुछ गंभीर क्षण को भी देखे जा सकते हैं। वहीं फिल्म में कैटरीना कैफ को एक जगह खराब हिंदी को लेकर भी एक कमेंट करते हुए देखा जा सकता है। ट्रेलर में शिवा चड्ढा भूत के रूप में नजर आती हैं, जो मोक्ष कहने में असमर्थ है। तभी कैटरीना जो मर चुकी है वो कहती है, तुम्हारी हिंदी कमजोर है। ट्रेलर में कई जगहों पर पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की कुछ झलकियां भी देखी जा सकती है, जिसमें कोई मिल गया और सिद्धार्थ की 2019 की फिल्म गली बॉय शामिल है। जानवरों का अंदाज है कि भूलभुलैया 2 की सफलता के बाद इस जॉनर की फिल्म को भी दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। फोन बूथ का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है। इसका निर्माण
स्केलर एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है। 4 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए ये फिल्म पूरी तरह तैयार है। सर लवली नाइस लुक। थोड़ा लंबे से थोड़े लंबे से लो हाँ हाँ सर लवली लवली। अरे यार कितना बड़ा है। अरे भाई हाथ तो हटाओ यार। चलो अभी उधर भागने तक बात चली जाए। नाइस क्वार्टर जैकेट दादा। हाँ भाई हाँ सॉरी बाय बाबा। चल बाबा आ रहा हूँ। देखिए ब्रो थैंक यू थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर 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 फरान सर फरान सर फरान सर सर रुके ना सर। सर हाँ फरान सर को लेट हो गया है सॉरी। हेलो आराम से आना हाँ पार्टी थोड़ा ना ना हम लोग वॉक थ्रू ले लेंगे। अरे सनी ए सनी हट ना पीछे खड़े हम लोग। यहाँ पे खड़ा है तू पार्टी मांगे बाजूला बाजूला लवली लवली लवली। अरे चलो भाई अरे गिरा दिए भाई। अरे पार्टी मांगे यार पीछे जाओ पीछे जाओ गिरा दिए भाई मेरे। रितेश अरे बाबा लवली पार्टी है थोड़ा पार्टी पार्टी All the best. Ready? One picture, please. Once again, no, 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 no. Thank you. All the best. Struggle for the selfie. Struggle is real. थोड़ा साइड साइड साइड। अरे रे रे बोले रे मोबाइल इबाल डाल रहा है। लवली आ गए सबके इसमें चलो ये गर्मी होगी भाई को चल। सर सर चलो चलो अरे कड़ा हेड हो जाओ रे आगे आगे
सर वो गर्ल्स को फोटो दे दो ना, धूप में खड़े थे लोग। नहीं किसी को नहीं, ब्लैक लेदर जैकेट में गर्मी होती है। अरे यार कंटेंट म्यूट करना भाई, फोटो एक फोटो। अरे यार भाई भाई सॉरी सॉरी यार। अरे लवली तेरा एक नंबर है भाई, शुक्रिया। पावर अरे भाई भाई रुको ना जरा, गर्ल्स को बोलना आ गया भाई। अरे 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 किधर गाइस गाइस मत, हाँ बहुत रुकी है धूप में ये लोग, कब से दे दो एक फोटो भाई। अरे बाबा उसको फोटो तो ले लीजिए, कड़क लुक है एकदम। ऐसा कुछ एनकाउंटर है सुपरफिशियल और सुपरनैचुरल एनकाउंटर और सम स्केरी एनकाउंटर, एनी ऑफ यू? नोट नोट कर रहे ना, आ रहे हैं ऊपर आ रहे हैं, तब तक बात कर लेते हैं। ऊपर भी आ जाएंगे। सिड डू यू हैव एन एनकाउंटर? नहीं सर। यू कैन स्टैंड एंड गिव मी द आंसर टिल देन। मतलब भूत तो पता नहीं, भूत काल से बहुत डर लगता है अपने पास्ट और अपनी एक्सेस से बस। लवली ईशान, डू यू हैड एनी एनकाउंटर लाइक दैट और नो? नहीं, इस तरह के कोई इनकाउंटर्स ऐसे हमारे साथ रहे नहीं। हम एक्चुअली उम्मीद में थे कि कई बार सुना जाता है कि जब भूतों की फिल्म बनाई जाती है तो हादसे हादसे हो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ सिर्फ आवाज जो आ रही है, साउंड इफेक्ट हम भूत का ही दे रहे हैं पीछे से। हाँ, ये वो चुड़ैल के आने वाला इफेक्ट हमारे साथ यही हुआ कि कहीं किसी दिन किसी कास्ट मेंबर ने घोस्ट कर दिया किसी और, किसी दिन इतना ही हुआ हमारे साथ। ओके, नन ऑफ any experience, ghostly experience? Any ghostly things or something? Nahi, luckily mere sath to aise kabhi nahi hua, but if it ever did I would main on the spot mar jaungi, on the spot. We clearly don't want I don't watch horror films. You don't watch horror films? Matlab scary films, horror films, I do not see them at all. I'm that scared of it, so I don't know how I've ended up in this film. Farhan, what about you? Anything like that? Nahi, main kuch logon se life mein mila hu jo mujhe laga hai ki bhoot the, मगर फिर बाद में पता चल गया सिर्फ डाउट। कैन वी कॉल द कास्ट एंड क्रू ऑन स्टेज एवरीवन? लेन यस गुरु प्लीज, जाके सर प्लीज ऑन स्टेज। एंड माय मीडिया मैं ओपन करने वाला हूँ, उससे पहले बहुत सारे फैंस हैं जिन्होंने, एक तो ये साउंड इफेक्ट थोड़ा जो हॉरर वाला ये रुक जाएगा तो अच्छा रहेगा। बट वाइल यू गाइस वर कमिंग इन, आई नो आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे जो मुझे दिए गए, सम ऑफ द बेस्ट फैन क्वेश्चंस, एंड यू गाइस आल्सो विन मर्चेंडाइज फॉर आस्किंग दीज क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव गॉट इज फॉर गुरु। एक्चुअली गुरु, एक सवाल आया कि इस फिल्म में हॉरर ज्यादा है या कॉमेडी इन दिस फिल्म? एक्चुअली डेफिनेटली कॉमेडी। ओके, सो लाइक वी सेड इट्स नॉट अ हॉरर कॉमेडी, इट्स अ कॉमेडी ऑफ हॉरर्स। ओके, इट्स अ वेरी सेल्फ अवेयर फिल्म, सो इट्स अ स्पूफ, इट्स अ पैरोडी, इट टेक्स सिचुएशंस ऑफ पॉप कल्चर, रियल लाइफ, थिंग्स दैट वी हैव सीन, वी हैव ग्रोन अप विद, एंड टर्न्स इट अराउंड ऑन इट्स हेड एंड गिव्स इट बैक टू यू इन अ वे यू डोंट एक्सपेक्ट। सो इट्स अबाउट फाइंडिंग दैट ह्यूमर दैट्स देयर फॉर एवरीवन टू सी, बट ओए ये भी तो फनी था। इट्स दैट काइंड ऑफ फिल्म एंड इट्स दैट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड। और उसमें हम भूत यूज कर रहे हैं तो हमारे भूत भी क्यूट हैं, हमारे भूतों की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। Okay. तो हमारे भूतों से शायद आप डरेंगे नहीं, पर उनसे प्यार जरूर कर बैठेंगे। लवली, सो कैटरीना कैन डेफिनेटली वॉच दिस, शी इज आल्सो अ घोस्ट एंड शी इज नॉट गोना बी स्कैर्ड ऑफ दिस। देयर इज वन क्वेश्चन दैट हैज कम इन फॉर कैटरीना, बट आई थिंक इट अप्लाइज टू एवरीवन, इट्स अ वेरी फन क्वेश्चन, दैट इफ यू वर अ भूत फॉर रियल, हु वुड यू हॉन्ट इन बॉलीवुड? This has come from the audience, not me. Do not judge me. It's come from you. It's not come from me. Does any? भूतनी बन कैटरीना कैफ ने ईशान सिद्धार्थ की नाक में किया दम। फोन भूत का जबरदस्त ट्रेलर हुआ रिलीज। कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन भूत का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है।
इस फिल्म में जहां सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर भूत बस्टर का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कैटरीना कैफ भूतनी बनकर सबके दिलों को जीत रही है। फिल्म में कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी दर्शकों को काफी लुभा रही है। वहीं फोन भूत में एक्टर जैकी श्रॉफ नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर रहा है। यहां देखें कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की फिल्म फोन बूथ के ट्रेलर को ट्विटर पर कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं। फोन बूथ के ट्रेलर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, जबरदस्त कैटरीना, बहुत अच्छी लग रही है, वह इस फिल्म में सबसे प्यारी भूत लग रही है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, फोन बूथ का एनर्जेटिक ट्रेलर को काफी एंजॉय किया, कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी स्क्रीन पर काफी अच्छी लग रही है, जबरदस्त प्रोमो, 4 नवंबर का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। एक और यूजर ने फिल्म के ट्रेलर पर जबरदस्त रिएक्शन देते हुए लिखा, ट्रेलर रिलीज हो गया है, फिल्म को लेकर कमेंट सब कुछ कर रहे हैं, भारतीय सिनेमा की सबसे चहेती एक्ट्रेस। फोन भूत की बात करें तो कैटरीना कैफ इस फिल्म में ऐसी भूत बनी है जो आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की मदद लेती है। बता दें कि फिल्म में ईशान और सिद्धांत के पास ऐसी शक्ति है जिसमें वह भूतों को देख सकते हैं। वहीं आत्माराम बने जैकी श्रॉफ फोन भूत में कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ को कड़ी टक्कर देंगे। बता दें कि गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित ये फिल्म 4 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ग्लैमरस भूतनी बन कैटरीना कैफ ने ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी को किया अपने भूतिया बिजनेस प्लान में शामिल। ट्रेलर में मिली भयानक कॉमेडी की झलक। जब से दर्शकों ने कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर स्टारर फोन बूथ का पहला पोस्टर देखा है, दर्शक फिल्म की और झलक पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लंबे समय तक इंतजार न करने के बाद आखिरकार इस सबसे बहुप्रतीक्षित कॉमेडी ऑफ हॉरर का ट्रेलर जारी हो चुका है और हम गारंटी देते हैं कि यह भूतिया ट्रेलर है जो इस साल का सबसे मजेदार ट्रेलर होगा। फोन भूत पिछले काफी समय से शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां फिल्म दर्शकों के लिए अपनी दिलचस्प शैली की कॉमेडी ऑफ हॉरर के लिए बातचीत कर रही है। वहीं इसने कैटरीना कैफ को पहली बार सबसे सुंदर भूत के रूप में देखने के लिए भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। अंत में इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि निर्माता हमें इसके भयानक रोमांच की एक झलक देने के लिए ट्रेलर के साथ यहाँ है, जो बहुत सारे प्रफुल्लित करने वाले और मजेदार क्षणों से भरपूर है। ट्रेलर वास्तव में अपनी तरह का एक है जिसे दर्शक इस साल देखेंगे, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान को भूत शिकारी की भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है, जबकि वे दुनिया की सबसे खूबसूरत भूत कैटरीना कैफ से मिलते हैं और वे पूरी तरह से एक व्यवसाय के साथ एक मजेदार और भयानक यात्रा पर जाते हैं। ट्रेलर में इतना मजा आता है कि दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि जहां एक तरफ वे कैटरीना को खुद का मजाक उड़ाते हुए देखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वे कई भयावह अनुभवों के बीच हंसी के ठहाकों का अनुभव करेंगे। इसके अलावा फोन बूथ एक और कॉमेडी ऑफ हॉरर होगी जिसे दर्शक इस साल ब्लॉकबस्टर भूलभुलैया 2 के बाद देखेंगे। हालांकि दर्शकों ने इस दिलचस्प और मजेदार शैली के लिए अपार प्यार दिखाया है, हम उम्मीद कर सकते हैं फोन बूथ इसका एक होगा। ऐसी फिल्में जिन्हें देखना वाकई मजेदार होगा। असल में कहा जाए तो फोन बूथ कोई हॉरर कॉमेडी नहीं है, बल्कि यह कॉमेडी ऑफ हॉरर है। ये एक क्रेजी मजेदार रोमांस से भरा है जो पॉप कल्चर और फिल्म के सिचुएशन के साथ जाता है और भूतों और परिहास की एक अलग दुनिया बनाने के लिए अपने साथ लेकर चलता है। फिल्म का टोन इंटरैक्टिव है जिसमें किरदार चौथी दीवार को तोड़ते हैं और दर्शकों को मजाक और रोमांस से डुबोते हैं। असल में बात की जाए तो यह अच्छाई बनाम बुराई की कहानी है। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित और रवि शंकरन और जसविंदर सिंह बाद द्वारा लिखित फोन बूथ एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जिसके प्रमुख रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर है। ये फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। भूत कैटरीना कैफ के साथ भूत पकड़ने निकले सिद्धार्थ और ईशान।
कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर फोन भूत का ट्रेलर आउट हो गया है। ट्रेलर में कैटरीना कैफ को एक भूत के रूप में दिखाया गया है, वहीं ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी भूत पकड़ने वाले बने हुए हैं। तीनों मिलकर एक मिशन पर निकलते हैं। फिल्म में जैकी श्रॉफ को भी एक बुरी शक्ति के रूप में दिखाया गया है, जिसका नाम है आत्माराम। ये फिल्म एक बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी के रूप में दर्शकों के लिए पेश की जाएगी। फिल्म में कॉमेडी आइटम सॉन्ग के अलावा कुछ गंभीर क्षण को भी देखे जा सकते हैं। वहीं फिल्म में कैटरीना कैफ को एक जगह खराब हिंदी को लेकर भी एक कमेंट करते हुए देखा जा सकता है। ट्रेलर में शिवा चड्डा भूत के रूप में नजर आती हैं, जो मोक्ष कहने में असमर्थ है। तभी कैटरीना, जो मर चुकी है, वो कहती है, तुम्हारी हिंदी कमजोर है। ट्रेलर में कई जगहों पर पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की कुछ झलकियां भी देखी जा सकती है, जिसमें कोई मिल गया और सिद्धार्थ की 2019 की फिल्म गली बॉय शामिल है। जानवरों का अंदाज है कि भूलभुलैया 2 की सफलता के बाद इस जॉनर की फिल्म को भी दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। फोन बूथ का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है। इसका निर्माण स्केलर एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है। 4 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए ये फिल्म पूरी तरह तैयार है। Anybody have an answer to this? Okay, I have one answer. It's not scary or very fun, but I think I would haunt Priyanka Chopra for a day to understand how she manages to work as much as she does. Nice. How she manages to hustle, fly here, fly there, fly back, fly there. Lovely. Anybody else? Ishan, you have an answer. Do you want to haunt somebody? Who would I haunt? Yeah. I would actually want to haunt Gurmeet, our director, to understand ki how did he think, how did our writers and our director think of characters jo actually is film mein bhooton ko hum haunt karte hain. That's the flip side of the coin in this film, ke hum bhooton ke itne bade fan hain ke bhooton ko hum haunt karte hain, wo humse pareshan hain. Okay, lovely. I think it's time to open the questions to the media. Can we go on to the media questions, guys? Simple rules as usual. Hello. Uthayenge, ek ek sawal puchenge, and nicely. Karina here. Ask questions. Okay. Yeah. Gentlemen over there. Jitne bhi log maujood hain, sabko bahut bahut mubarak. Trailer looks amazing. Thank you, brother. Thank you. Thank you, sir. Hansi aati hai, muskurat aati hai. Kai baar aapko dar bhi lagta hai. कटरीना, आपको इतने वक्त के बाद हम देख रहे हैं, शादी के बाद अब आप आपको देख रहे हैं, आपको हम सब की तरफ से शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपने कहा कहीं कि विकी को आपने दिखाया, अभी हमने गाना भी देखा, उसमें अब बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हैं। विकी का क्या रिएक्शन था ट्रेलर देख के और ये गाना देख के? विकी एब्सोल्युटली लव्ड द ट्रेलर। एक्चुअली हम दोनों को, वी शोड द ट्रेलर टू विकी एंड ही हैड सच अ गुड रिएक्शन, इट गेव अस इवन मोर कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस। And I think he really just feels that the film is something which is fun and that people are going to connect to. You know, I think right now people want to come and have a good time and, you know, watch something funny, enjoy themselves. And I think that's what we're all hoping that this film will do. Farhan? Oh. You, I definitely missed a lot. Ishan? I don't want to miss you so much, I made my hair like you. ईशान, योर सेंटर, ईशान थर्ड रो ऑन द राइट, राहुल फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल, सवाल से पहले पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, ट्रेलर बहुत। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप दोनों से सवाल था, सिद्धांत और ईशान, रियल लाइफ में अगर कैटरीना जैसी भूत आपको मिले तो प्यार होगा क्या, कैसा रिस्पॉन्स रहेगा उनके साथ? जो बड़े वाले भूत हैं, जो उनके पति, उनको का नाम संभालेंगे? भूत हार्ड जवाब, भूत है ना, तो हाथ बंधे हुए, दूर दूर से प्यार होगा, दूर दूर से प्यार। कटरीना, सेम अपोजिट सवाल, अगर रियल लाइफ में कोई इतने हैंडसम भूत आपको दिखे तो क्या रिस्पांस रहेगा आपका सामने, डरेंगे या कुछ देर के लिए? दोस्त तो बन सकते हैं। लो, मैं जा रहा हूँ, फ्रेंड जोनिंग, फ्रेंड जोनिंग 101 ऑन स्टेज। जैकी सर, इन नए कलाकार जो अभी उभरते हुए सितारे हैं, ये लोग, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, क्या परेशान भी आपको किए ये लोग? मस्का है, मस्का ये लड़के लोग, एकदम स्मूथ काम करता है, जरा भी ऐसा लगता नहीं कि हम लोगों को जैसा प्रेशर था कभी, आज भी होता है, बहुत कड़क, मतलब मस्का मस्का नरम, एकदम निकल जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा है। इट्स, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज यंग लैड्स, यंग गुरमीत आउट देयर, बहुत भारी संभाला है उसने,
लड़के लोग से सीखने का है भाई, कान खुला रख मुंह बंद रख और खींचते रहे जितना खींचने गए. You guys are great. I think I'm really honored. You are there. And these honor is ours. No, honor तो है, मगर तुम लोग भारी है. तुम लोग बहुत भारी है. And I'm really, really happy to have worked with. आप भारी हम हल्के हैं सर. वजन में हो सकते. छोटू. Right. Next question, please. Hello. Hi Pooja, you're from Awesome TV. Firstly, congratulations to the entire team. काफी भूतिया लग रहा है. Thank you. Thank you. And funny भी. काफी क्या मैम, sorry? भूतिया. भूतिया. वाह वाह. हाँ, बहुत बहुत भाई है. सिद्धार्थ. हमने भी यही कहा था. Thank you भी निकल गया था. So you have worked with Deepika earlier. You have worked with Alia. Now you're working with Katrina. So how was your experience working with her? And who do you want to work with next? जिस तरह से आपने सवाल पूछा ऐसा लग रहा है मुझे रिटायरमेंट ही ले लेना चाहिए. मेरा तो मतलब सौभाग्य है कि इस जो सदी की मतलब सबसे कमाल की कलाकार हैं तीनों, और उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मुझे मौका मिला, और किसी भी लड़के का एक ये सपना होता है. तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा मेरे दोस्त बड़ा प्राउड फील करते हैं. Also, दोस्तों में थोड़ा नाम बढ़ गया. एंड कैटरीना एंड ईशान, आपने बॉलीवुड में किसी को घोस्ट किया है या घोस्ट करना चाहते हैं? घोस्ट का मतलब है क्या? कुछ भी हो सकता है. मतलब घोस्ट, ये घोस्टिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्नोर? इसके देखिए दो, इग्नोर दो मतलब हो सकते हैं. अवॉइड, या तो क्या आप कहना चाह रही कि हम घोस्ट करके मतलब उड़न छू हो गए, या फिर हम किसी को हॉन्ट कर रहे हैं, उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे. किसी को घोस्ट, डेटिंग वाला घोस्ट, आई थिंक दे माइंड डेटिंग वाला घोस्टिंग, आई थिंक. So basically it means ignore. Yeah. Nahi ma'am, I am way too happy to interact with everybody. Main bilkul kisi ko ghost nahi kar sakta hu. Main jitna in the flesh insani taur pe logon se mil sakta hu, main milta hu aur khush rehta hu. Main ghost. Ye sab jab ho jayega, ye aakhri tak khada rahega, sabse milke jayega. Sabse milke jaunga main, sabse. Siddhant, hi. Naveen this side from 24. How are you? I'm good sir, how are you? Ekdam badhiya. सबसे पहले ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग था, हम लोग सब यहाँ पे जोर जोर से हंस रहे थे, हमें बहुत पसंद आया. मेरा सवाल आपसे है कि इस साल आपकी ये दूसरी फिल्म आ रही है, पहले आपने गहराइयाँ किया था, तो क्या ये आपका कॉन्शियस एफर्ट है कि आप दो अलग अलग कैरेक्टर ऐसा ढूंढे कि हाँ पहले हमने ऐसा किया है, अब मुझे कुछ अलग करके दिखाना है? हाँ सर, मतलब ये कॉन्शियस एफर्ट ही है. एक तरह का काम करते करते मैं बोर हो जाऊंगा मुझे ऐसा लगता है. अगर एक तरह का काम करना ही होता तो मैं सीए कर रहा होता आज. इसीलिए मैं चाहता हूं कि कुछ अलग चीज़ें एक्सप्लोर करूं. इसीलिए पहले वो ऐसा कुछ था और अभी ये एकदम कॉमेडी, और इस रूप में देखा भी नहीं होगा शायद मुझे ज़्यादा. बट या कॉन्शियस एफर्ट ही है ये कि कुछ अलग 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 करते रहना है, सरप्राइज करना है आपको, ये कोशिश रहेगी मेरी. Hi Katrina, this is Vinamaru from First Post right here. So on one hand you have worked with the likes of Shah Rukh, Salman, Aamir, Akshay, and now you're working with Siddhant and Ishan. So do you see any difference? Tu mat ek second. Welcome to the roast of Siddhant and Ishan suddenly. No, I just hamari tareef kar raha hai. To pandemic ka effect aap pe kya tha ma'am? Tarif. So I want to ask, what are the similarities or differences you see between the experience and now the Young Turks of Bollywood? I can tell you the similarity. Similarity is definitely that the enthusiasm and the love for cinema is the same. They're laughing at me. I'm trying to pray. Deja vu. Very enthusiastic boys, young boys. No, enthusiasm. Energy bahut hai London mein. No, let me find a better word. They're very talented. Oh no. The future of tomorrow. Talented. Acting. Now they're making me nervous, but actually that's not the case. They're very smart. They're very, very bright. And what I actually loved about them the most in this film, because this is the only film I've done with them, is they're very spontaneous and they're good at improvisation. So for me, that was something which was required in a film like this, because you have to, you're kind of, you know, when you're in the scenes, you got to see what's working on that moment. You have to be quick. You can't just stick to the script. So they actually had that, even though, like you said, they've not done that many films. They had that in them to just, you know, improvise on the spot.
Farhan, hi. So my question to you is, India celebrated National Cinema Day on 23rd September and all the films ran to packed houses. So I want to ask you, as a producer, what are the discussions that go between the producers and exhibitors when it comes to ticket prices, especially if it's a film as big as Phone Booth? Why have you saved such an interestingly boring question for me? मैं क्यों लग रहा हूँ कि मेरे पास इसका जवाब होगा यार ये बहुत लंबी डिस्कशन है यहाँ पर दूसरी अच्छी हंसी मजाक के बात करते हैं क्या फरहान आपसे मेरा सवाल है ये जो फिल्म है जो भी है लेकिन जो भी है अरे नहीं एकदम यार सुनिए वी आर टेकिंग नो मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस साइड ऑफ द हॉल बस सिर्फ इसी साइड से पूछा कीजिए आपने बिल्कुल सही पकड़ा है मैम बिल्कुल सिर्फ यहाँ से सो नहीं मैडम नहीं अच्छा जो फिल्म है वो हॉरर कॉमेडी है जिस तरह से हमने देखा इसके पहले स्त्री आई थी रूही आई थी दोनों अच्छी चली लेकिन फोन बूथ उतनी अच्छी नहीं चली तो आप फोन बूथ तो रिलीज नहीं हुई है मैम फोन बूथ तो रिलीज ही नहीं हुई अभी भूत पुलिस फ्यूचर प्रेडिक्शन भूत पुलिस उतनी नहीं चली थी तो आप इस कैटेगरी को किस तरह से देखते हैं और सेकंड थिंग कि कैटरीना जैसी खूबसूरत अदाकारा जो हमारे देश की प्रीटीएस्ट जी हीरोइन है उनको भूत के रूप में कास्ट करने का आपको कैसे विचार ये तो मतलब पीछे पड़ गई थी कह रही थी मुझे भूत बनना है हम लोग बिल्कुल आपकी तरह सोच रहे थे कि कैटरीना को भूत हम लोग कैसे बनाए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बट शी वांटेड टू प्ले गोस्ट जी और आप उसको किस तरह से देखते हैं हॉरर कॉमेडी को नहीं मैडम बात यह है कि मतलब कहानी अच्छी होनी चाहिए एंटरटेनिंग होनी चाहिए हर तरह की फिल्म बार बार बनती है लव स्टोरीज हज़ार बन चुकी हैं ड्रामास हज़ार बन चुके हैं एक्शन फिल्म्स रिवेंज ड्रामास हज़ार बार बन चुके हैं तो ये भी एक जॉनर है ये सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि जो कहानी पहली बनी थी उस कहानी से मिलती जुलती कहानी ना हो और वही कोशिश की हमने और उम्मीद करेंगे कि जब आप देखेंगी तो फोन भूत हिट होगी भूतनी बन कैटरीना कैफ ने ईशान सिद्धार्थ की नाक में किया दम फोन बूथ का जबरदस्त ट्रेलर हुआ रिलीज कैटरीना कैफ ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ का ट्रेलर रिलीज हो गया है जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है इस फिल्म में जहां सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर भूत बस्टर का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं तो वहीं कैटरीना कैफ भूतनी बनकर सबके दिलों को जीत रही है फिल्म में कैटरीना ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी दर्शकों को काफी लुभा रही है वहीं फोन बूथ में एक्टर जैकी श्रॉफ नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर रहा है यहां देखें कैटरीना कैफ ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की फिल्म फोन बूथ के ट्रेलर को ट्विटर पर कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं फोन बूथ के ट्रेलर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा जबरदस्त कैटरीना बहुत अच्छी लग रही है वह इस फिल्म में सबसे प्यारी भूत लग रही है वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा फोन भूत का एनर्जेटिक ट्रेलर को काफी एंजॉय किया कैटरीना ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी स्क्रीन पर काफी अच्छी लग रही है जबरदस्त प्रोमो 4 नवंबर का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है एक और यूजर ने फिल्म के ट्रेलर पर जबरदस्त रिएक्शन देते हुए लिखा ट्रेलर रिलीज हो गया है फिल्म को लेकर कमेंट सब कुछ कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की सबसे चहेती एक्ट्रेस फोन भूत की बात करें तो कैटरीना कैफ इस फिल्म में ऐसी भूत बनी है जो आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की मदद लेती है बता दें कि फिल्म में ईशान और सिद्धार्थ के पास ऐसी शक्ति है जिसमें वह भूतों को देख सकते हैं वहीं आत्माराम बने जैकी श्रॉफ फोन भूत में कैटरीना ईशान और सिद्धार्थ को कड़ी टक्कर देंगे बता दें कि गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित ये फिल्म 4 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ग्लैमरस भूतनी बन कैटरीना कैफ ने ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी को किया अपने भूतिया बिजनेस प्लान में शामिल ट्रेलर में मिली भयानक कॉमेडी की झलक जब से दर्शकों ने कैटरीना कैफ सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर स्टारर फोन बूथ का पहला पोस्टर देखा है दर्शक फिल्म की और झलक पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उन्हें लंबे समय तक इंतजार न करने के बाद आखिरकार इस सबसे बहुप्रतीक्षित कॉमेडी ऑफ हॉरर का ट्रेलर जारी हो चुका है और हम गारंटी देते हैं कि यह भूतिया ट्रेलर है जो इस साल का सबसे मजेदार ट्रेलर होगा
फोन बूथ पिछले काफी समय से शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां फिल्म दर्शकों के लिए अपनी दिलचस्प शैली की कॉमेडी ऑफ हॉरर के लिए बातचीत कर रही है। वहीं इसने कैटरीना कैफ को पहली बार सबसे सुंदर भूत के रूप में देखने के लिए भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। अंत में इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि निर्माता हमें इसके भयानक रोमांच की एक झलक देने के लिए ट्रेलर के साथ यहाँ है, जो बहुत सारे प्रफुल्लित करने वाले और मजेदार क्षणों से भरपूर है। ट्रेलर वास्तव में अपनी तरह का एक है जिसे दर्शक इस साल देखेंगे, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान को भूत शिकारी की भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है, जबकि वे दुनिया की सबसे खूबसूरत भूत कैटरीना कैफ से मिलते हैं और वे पूरी तरह से एक व्यवसाय के साथ एक मजेदार और भयानक यात्रा पर जाते हैं। ट्रेलर में इतना मजा आता है कि दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि जहां एक तरफ वे कैटरीना को खुद का मजाक उड़ाते हुए देखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वे कई भयावह अनुभवों के बीच हंसी के ठहाकों का अनुभव करेंगे। इसके अलावा फोन बूथ एक और कॉमेडी ऑफ हॉरर होगी, जिसे दर्शक इस साल ब्लॉकबस्टर भूलभुलैया 2 के बाद देखेंगे। हालांकि दर्शकों ने इस दिलचस्प और मजेदार शैली के लिए अपार प्यार दिखाया है, हम उम्मीद कर सकते हैं फोन बूथ इसका एक होगा। ऐसी फिल्में जिन्हें देखना वाकई मजेदार होगा। असल में कहा जाए तो फोन बूथ कोई हॉरर कॉमेडी नहीं है, बल्कि यह कॉमेडी ऑफ हॉरर है। ये एक क्रेजी मजेदार रोमांस से भरा है, जो पॉप कल्चर और फिल्म के सिचुएशन के साथ जाता है और भूतों और परिहास की एक अलग दुनिया बनाने के लिए अपने साथ लेकर चलता है। फिल्म का टोन इंटरेक्टिव है, जिसमें किरदार चौथी दीवार को तोड़ते हैं और दर्शकों को मजाक और रोमांस से डुबोते हैं। असल में बात की जाए तो यह अच्छाई बनाम बुराई की कहानी है। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित और रवि शंकरन और जसविंदर सिंह बाद द्वारा लिखित फोन बूथ एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जिसके प्रमुख रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर है। ये फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। भूत कैटरीना कैफ के साथ भूत पकड़ने निकले सिद्धार्थ और ईशान। कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर फोन बूथ का ट्रेलर आउट हो गया है। ट्रेलर में कैटरीना कैफ को एक भूत के रूप में दिखाया गया है, वहीं ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी भूत पकड़ने वाले बने हुए हैं। तीनों मिलकर एक मिशन पर निकलते हैं। फिल्म में जैकी श्रॉफ को भी एक बुरी शक्ति के रूप में दिखाया गया है, जिसका नाम है आत्माराम। ये फिल्म एक बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी के रूप में दर्शकों के लिए पेश की जाएगी। फिल्म में कॉमेडी आइटम सॉन्ग के अलावा कुछ गंभीर क्षण को भी देखे जा सकते हैं। वहीं फिल्म में कैटरीना कैफ को एक जगह खराब हिंदी को लेकर भी एक कमेंट करते हुए देखा जा सकता है। ट्रेलर में शिवा चड्डा भूत के रूप में नजर आती हैं, जो मोक्ष कहने में असमर्थ है। तभी कैटरीना, जो मर चुकी है, वो कहती है, तुम्हारी हिंदी कमजोर है। ट्रेलर में कई जगहों पर पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की कुछ झलकियां भी देखी जा सकती है, जिसमें कोई मिल गया और सिद्धार्थ की 2019 की फिल्म गली बॉय शामिल है। जानवरों का अंदाज है कि भूलभुलैया 2 की सफलता के बाद इस जॉनर की फिल्म को भी दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। फोन बूथ का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है। इसका निर्माण स्केलर एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है। 4 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए ये फिल्म पूरी तरह तैयार है। हाय, तो प्रोमो ट्रेलर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब इंतज़ार करें कि फिल्म जल्दी देखें। और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगी, कास्टिंग बहुत अच्छी है। इस फिल्म की कास्टिंग इसकी USP है, क्योंकि इन तीनों को एक साथ देखने के बाद और ट्रेलर साथ में देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये फिल्म तो देखनी ही है। आप तीनों से पूछना चाहूँगी, कटरीना, इन दोनों की एक फनीएस्ट मेमोरी और आप लोगों की एक फनीएस्ट मेमोरी कटरीना को लेकर इस फिल्म के साथ क्या याद रखेंगे? मैं आपके लिए एक फनी मेमोरी बताऊँ, आपके सामने जो बैठे हो देखो किसे डरे हुए, एकदम साइड में जा रहे हैं। पिछले सवाल से डरे हुए लगता है। हेलो, फनी मेमोरी मी फर्स्ट। आई थिंक मैं ये कहानी ऑलरेडी मैं दोहराऊंगा इसे, लेकिन हमारे लिए पहला दिन काफ़ी फनी था, क्योंकि एक रिदम सेट हो गया था हमारे सेट पे।
सिद्धांत और मैंने फिल्म की शूटिंग की शुरुआत साथ में की थी. एक आध दिन हम शूटिंग कर चुके थे और हमें आदत पड़ चुकी थी कि हमें कैसे ट्रीट किया जाएगा सेट पे. और फिर चार दिन बाद कटरीना मैम आई सेट पे और माहौल यूं बदला कि हमें इमीडिएटली समझ में आ गया कि इस फिल्म का जो रिदम है और इस फिल्म में जो बैलेंस होने वाला है वो कैसे होने वाला है. बट वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज वो रौनक ले आई सेट पे. शी इज प्लेइंग अ गोस्ट इन द फिल्म तो नूर तो था ही उन पे. शी वॉज ग्लोइंग. बट we had a lot of fun. We had a lot of goofy memories. We would ad lib things kabhi kabhar. Kabhi koi kuch bol deta tha, kabhi koi kuch bol deta tha. Phir side se writers bolte the kya kar rahe ho tum log yaar. Jaise aapne improvisation ki line abhi kahi ke she liked the fact that we would improvise. I immediately saw our writers with their heads down saying likhne walon ko likhne do bhaiya. Is jawab se aapko pata nahi chalega but really Ishan loves me a lot. So much. Hello. The crew hello. Loves. They love. This question is from hello. Side, right side, third row. Hello. On the right. Raj Chayed, filmfestivals.com. Ishan se sawal hai. Sir. Hello. Ishan, mera naam Aarti Saxena. Sorry guys, sorry. One by one, sorry. Sir, please. Yeah. Ishan, aapne ye film apni walda Neelima ji ko dikhai. Aur agar dikhai to unka kya reaction tha? Nahi, ab tak mauka nahi mila hai, sir. वो आई थिंक जब स्क्रीनिंग होगी कुछ दिनों में एक आध हफ्तों में शायद मौका मिले उनको दिखाने का. लेकिन अब तक उन्होंने ट्रेलर देखा है जो अभी अभी रिलीज हुआ है. उनको मैंने भेजा था सुबह सुबह एंड शी फाउंड इट फन लाइट हार्टेड. एंड द ट्रेलर इज यू ए. इज द फिल्म ए और यू ए? नो नॉट एट ऑल सर. दिस फिल्म इज वेरी यूनिवर्सल. ये उस तरह की फिल्म है जिसमें आप अपने परिवार को लेकर आ सकते हैं. जैसे कि इन्होंने ऑलरेडी जो कह चुके हैं कि ये ज़्यादा भयानक डरावनी, भयानक तो है लेकिन डरावनी किस्म की फिल्म नहीं है ये. इसमें हॉरर जो है वो उसका कॉमेडी वाला एलिमेंट है. तो सबवर्सिव है, अलग सी है, अनोखी है उस तरह से. शुक्रिया ईशान. सिद्धांत और कैटरीना आपके लेफ्ट में. लेफ्ट थर्ड रो. जी सर. ये हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म है तो इस तरह की फिल्मों में मतलब जो किरदार हैं आपके उनके कैरेक्टर स्किन में जाना आसान है या फिर नहीं? मतलब किस तरह की तैयारियां गई थी आप लोगों के टेक्निकल तैयारियां? देखिए इसमें ऐसा है कि हमने मस्ती की है, बहुत ज़्यादा मस्ती की है. और आई थिंक जो एक केमिस्ट्री होती है तीनों एक्टर्स के बीच में अपने किरदार में जाना वो सारी चीज़ें तो आई थिंक जो हमारे डायरेक्टर हैं वो बताएंगे कैसे जाना है या कितना कुछ सही है, कितना लिंगो सही है. लेकिन जो केमिस्ट्री होती है एक एक्टर्स में, को एक्टर्स में, बिकॉज कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट दैट आई फील. सो वो हमारी जो थी वो सेट हो गई थी शुरू में ही. तो उसके बाद तो बस हम खेल रहे थे. हमें लाइनें दी जाती थी और उस पर हम बहुत मतलब इम्प्रोवाइज़ करते थे कई बार. और कई बार हमें कहा जाता था मत करो. तो ऊपर नीचे ये सब चलता रहता था बट हम मस्ती कर रहे थे सर. हमें बहुत मजा आया ये करने में. कोई ऐसे कैरेक्टर की गहराइयों में नहीं गया हूँ मैं इसमें. सर किसी भी फिल्म में हर फिल्म की एक दुनिया होती है और इस फिल्म की दुनिया बहुत ही क्लैरिटी से लिखी गई थी. और हर कैरेक्टर में अपने आप को ढालना तो पड़ता है लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये थी कि हमारे बीच में एक लाइटनेस हो, एक यू नो मज़ा हो, एक बैंटर हो, जुगलबंदी हो. तो वी जस्ट ट्राई टू हैव फन विद इट. द फिल्म डजंट टेक इटसेल्फ वेरी सीरियसली एंड नाइदर डिड वी सर. हेलो जैकी सर, एक सवाल आपसे था. जी हाँ, आपके लेफ्ट में अगर लेफ्ट में सेम पर्सन अमित अगर ठीक है ठीक एक हाँ मैम योर क्वेश्चन. मेरा नाम आरती सक्सेना है और मुझे कैटरीना जी से पूछना था कि मोक्ष आपने बोलना सिखाया. ये सवाल है कि स्टेटमेंट है मैम? मोक्ष सवाल इसलिए है कि एक टाइम था कि लोग बोलते थे कैटरीना जी को हिंदी नहीं आती है और आज कैटरीना जी ने साबित कर दिया कि वो मोक्ष भी बोल सकती है. क्या बात है. थैंक यू सो मच. तो मेरा मुझे पता नहीं अगर ये कॉम्प्लीमेंट है या नहीं लेकिन मैं ले रही हूँ. आई थिंक यू शुड से थैंक्स. थैंक्स मैम. थैंक्स कैटरीना मैम. इतनी आगे निकल चुकी हैं कि वो इंसानों को नहीं चुड़ैलों को भी ट्यूटोरियल देनी. थैंक यू. कौन से वाले? तो एक्चुअली अब आप फिल्म देखेंगे तो वो भी सिचुएशनल है.
तो कोई एक भूत है, क्योंकि हम जैसे हम सोच रहे थे कि फिल्म पैन इंडिया होनी चाहिए, बहुत डिस्कशन थी कि पैन इंडिया होनी चाहिए, तो हमने दूर दूर देश से भूत लेके आए, तो हमारे फिल्म में बंगाली भूत भी हैं, पंजाबी भूत भी हैं, साउथ इंडियन भूत भी हैं, तो एक पंजाबी भूत है जिनको नाचने का शायद शौक हो सकता है, तो उनके लिए काली तेरी गुत्ते परांदा तेरा लालनी आहो हेलो सॉरी गाइस मुझे अभी इस गाने के बारे में मुझे सब कुछ पता है. विकी ने बोला ये एक पुराना फोक सॉन्ग है, फिर पूरे यही एक्सप्लेन टू मी द होल सॉन्ग, सो नाउ आई नो अ लॉट अबाउट इट. One by one, guys. Hello, मेरा सवाल रितेश जी से है. Sorry guys, one रितेश by one. Can we do one by one? किसके पास? रितेश जी से मेरा सवाल है कि आपने ये जो फोन भूत बनाया, इसमें कैटरीना जी सबको पैसे भी कमा के दे रही है. लाइक मतलब इसमें ऐसा है कि वो भूत के जरिए पैसे कमा रहे हैं. वो तो कमा के देंगे हमें रिलीज के बाद ना. अच्छा. वो इधर रिपीट होने वाले हैं. नहीं, ईशान और इनको भी भूत का वो बैग वैग देखा जो मतलब पैसे कमा के दे रहे हैं ना वो फोन भूत के जरिए पिक्चर में. हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि मतलब इसमें कॉमेडी प्लस लाइक पैसे और सब कुछ है और कैटरीना जी भी है, तो ये सब कैसे मैनेज किया आपने? बहुत मुश्किल था मैडम, बहुत मुश्किल था. लेकिन कॉमेडी पैसे नहीं, बट ऑनेस्टली जैसे आपने कहा इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इट इज़ मोर लाइक एन एडवेंचर कॉमेडी, इट्स वेरी इंगेजिंग. और ये एक फिल्म है जो आप अपने entire family ke saath, whether children watch it with their parents, grandparents, family, lekin the entire experience of phone booth will be in a collective viewing. Matlab ek group bana ke dekhiye tab aapko film mein maza aayega, and uske baad hi jo Katrina ne film mein kiya hai wo shayad hamare liye bhi true ho jayega, hum bhi fir paise kamayenge. So for that you have to get out of your homes and come and watch the movie. Kyun chila rahe hai baba? We're bringing the mic. We're bringing the mic. Maybe for the hi, Sohail here from Ancient Bollywood. Katrina, Siddhant said that Katrina is a big prankster. You know, so how many pranks have you played? And these people are junior. What have you to say on that? आप तो मुझे जानते हैं. क्या मैं prankster हूँ? है थोड़े. नहीं. Hi, Nilima. Yeah. Let her answer. Yeah, what have you to say? ये जो आपने अभी हमें एंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक बोला है तो सही. बैडमिंटन प्रैंक तो प्रैंक नहीं कहूंगा, लेकिन ये बहुत चीटिंग करती हैं. तो हम लोग उदयपुर में थे, हम शूट कर रहे थे, तो हम जब खाली टाइम होता था तो हमें नया शौक लगा था कि बैडमिंटन खेला जाए. मैम कमाल की प्लेयर हैं, और तो जब हम खेलते थे तो कई बार ऐसा होता था कि हम एक आध दो पॉइंट से जीत जाते थे, लेकिन वो मानती नहीं है एंड तक. नहीं गलत है, वो गिरा ही नहीं यहाँ पे शटल, वहाँ पे गिरा, तो हमसे पूरा तर्क करती थी. और शाम रात ठंड में जब तक ये जीतेंगी नहीं ना, घर नहीं जा सकते आप. हम खेले जा रहे हैं. एक बार सारी भैंस जब खत्म हो जाती थी वो कहती थी चुपचाप बैठ जाओ, तुम जूनियर हो. अच्छा. कभी भूतनी के कहा है किसी को लेकिन लाइफ में, जैसे इसमें डायलॉग है एक्चुअली. भूतनी का ख्याल कैसे है? भूतनी के हम लोग भूतनी के तो नहीं, एक्चुअली इन्होंने अभी कहा भी था ना कि कैटरीना मैम खुद एक भूतनी का किरदार निभाना जा रही थी. इसकी वजह ये है कि मैम का जो ब्रांड है के बाय कैटरीना, जो मेकअप ब्रांड है, उसका प्लग इन, उसका एक नया रेंज आने वाला है बहुत ही भूतिया टाइप का, जिसका नाम ही है भूतनी के. तो ये पूरी फिल्म ही इस मायने पर बनी. All right, guys, we'll take last two questions, please. Hello. Hi, last Nilima two questions. Here. Sorry, one Hi. By one, guys. Hello. Once again, my question on the top is left. Katrina. Hi, Nilima here. Moksh, वो scene था, वो बहुत हम हंसे, बहुत laughter था, वो बहुत मजा आया. आपने laughter कैसे control किया? और शिबा मैम के साथ का आपका वो experience कैसा था? शिबा जी actually she's one of my favorite actresses. मैं इनके साथ काम करने का I just was one of the best days of the film, few days of the film. I would get lost just looking at her because she's so real. But there was actually one more scene in the film that Siddhant has a dialogue. Ghoda gaya. In that scene, he's supposed to come to me and his dialogue ends where he's right here and I'm supposed to be like angry. That I couldn't control. I was like... that was funny.
जब मैं डायलॉग बोलने इतना पास आता था ये और मैं सीरियसली वो डायलॉग गुस्से में बोल रहा हूँ और ये मुझे देखती थी, एक सेकंड रोल करती थी और हंस देती थी हर बार. और ये हमने बहुत सारे टेक लिए हैं इसमें और फिर जाके कैसे तैसे वो हुआ है इनकी हंसी कंट्रोल करके. बट मज़ा आया. Farhan and Ritesh over here. Guys, one last question. It's the last question, please. Center over here. Either of you can answer this. You know, we are living in the times of franchises and universes. And if we look at Phone Booth, no, it is not Don 3. If we look at Phone Booth, the world is very similar to what we see in Fukre in terms of the madness. Do you plan a crossover or are you planning a franchise in this front as well? Crossover franchise. भूतनी बन कैटरीना कैफ ने ईशान सिद्धार्थ की नाक में किया दम. फोन बूथ का जबरदस्त ट्रेलर हुआ रिलीज. कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ का ट्रेलर रिलीज हो गया है जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. इस फिल्म में जहां सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर भूत बस्टर का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं तो वहीं कैटरीना कैफ भूतनी बनकर सबके दिलों को जीत रही है. फिल्म में कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी दर्शकों को काफी लुभा रही है. वहीं फोन बूथ में एक्टर जैकी श्रॉफ नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं. गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर रहा है. यहां देखें कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की फिल्म फोन बूथ के ट्रेलर को ट्विटर पर कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं. फोन बूथ के ट्रेलर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, जबरदस्त कैटरीना, बहुत अच्छी लग रही है, वह इस फिल्म में सबसे प्यारी भूत लग रही है. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, फोन भूत का एनर्जेटिक ट्रेलर को काफी एंजॉय किया. कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी स्क्रीन पर काफी अच्छी लग रही है. जबरदस्त प्रोमो, 4 नवंबर का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है. एक और यूजर ने फिल्म के ट्रेलर पर जबरदस्त रिएक्शन देते हुए लिखा, ट्रेलर रिलीज हो गया है, फिल्म को लेकर कमेंट सब कुछ कर रहे हैं, भारतीय सिनेमा की सबसे चहेती एक्ट्रेस. फोन भूत की बात करें तो कैटरीना कैफ इस फिल्म में ऐसी भूत बनी है जो आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की मदद लेती है. बता दें कि फिल्म में ईशान और सिद्धांत के पास ऐसी शक्ति है जिसमें वह भूतों को देख सकते हैं. वहीं आत्माराम बने जैकी श्रॉफ फोन भूत में कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ को कड़ी टक्कर देंगे. बता दें कि गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित ये फिल्म 4 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ग्लैमरस भूतनी बन कैटरीना कैफ ने ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी को किया अपने भूतिया बिजनेस प्लान में शामिल. ट्रेलर में मिली भयानक कॉमेडी की झलक. जब से दर्शकों ने कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर स्टारर फोन बूथ का पहला पोस्टर देखा है, दर्शक फिल्म की और झलक पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उन्हें लंबे समय तक इंतजार न करने के बाद आखिरकार इस सबसे बहुप्रतीक्षित कॉमेडी ऑफ हॉरर का ट्रेलर जारी हो चुका है और हम गारंटी देते हैं कि यह भूतिया ट्रेलर है जो इस साल का सबसे मजेदार ट्रेलर होगा. फोन बूथ पिछले काफी समय से शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है जहां फिल्म दर्शकों के लिए अपनी दिलचस्प शैली की कॉमेडी ऑफ हॉरर के लिए बातचीत कर रही है. वहीं इसने कैटरीना कैफ को पहली बार सबसे सुंदर भूत के रूप में देखने के लिए भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है. अंत में इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि निर्माता हमें इसके भयानक रोमांच की एक झलक देने के लिए ट्रेलर के साथ यहाँ है जो बहुत सारे प्रफुल्लित करने वाले और मजेदार क्षणों से भरपूर है. ट्रेलर वास्तव में अपनी तरह का एक है जिसे दर्शक इस साल देखेंगे, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान को भूत शिकारी की भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है. जबकि वे दुनिया की सबसे खूबसूरत भूत कैटरीना कैफ से मिलते हैं और वे पूरी तरह से एक व्यवसायी के साथ एक मजेदार और भयानक यात्रा पर जाते हैं. ट्रेलर में इतना मजा आता है कि दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि जहां एक तरफ वे कैटरीना को खुद का मजाक उड़ाते हुए देखेंगे तो वहीं दूसरी तरफ वे कई भयावह अनुभवों के बीच हंसी के ठहाकों का अनुभव करेंगे. इसके अलावा फोन बूथ एक और कॉमेडी ऑफ हॉरर होगी जिसे दर्शक इस साल ब्लॉकबस्टर भूलभुलैया 2 के बाद देखेंगे. हालांकि दर्शकों ने इस दिलचस्प और मजेदार शैली के लिए अपार प्यार दिखाया है, हम उम्मीद कर सकते हैं फोन बूथ इसका एक होगा.
ऐसी फिल्में जिन्हें देखना वाकई मजेदार होगा। असल में कहा जाए तो फोन बूथ कोई हॉरर कॉमेडी नहीं है, बल्कि यह कॉमेडी ऑफ हॉरर है। ये एक क्रेजी मजेदार रोमांस से भरा है जो पॉप कल्चर और फिल्म के सिचुएशन के साथ जाता है और भूतों और परिहास की एक अलग दुनिया बनाने के लिए अपने साथ लेकर चलता है। फिल्म का टोन इंटरैक्टिव है जिसमें किरदार चौथी दीवार को तोड़ते हैं और दर्शकों को मजाक और रोमांस से डुबोते हैं। असल में बात की जाए तो यह अच्छाई बनाम बुराई की कहानी है। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित और रवि शंकरन और जसविंदर सिंह बाद द्वारा लिखित फोन बूथ एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है जिसके प्रमुख रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर है। ये फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। भूत कैटरीना कैफ के साथ भूत पकड़ने निकले सिद्धार्थ और ईशान। कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर फोन बूथ का ट्रेलर आउट हो गया है। ट्रेलर में कैटरीना कैफ को एक भूत के रूप में दिखाया गया है, वहीं ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी भूत पकड़ने वाले बने हुए हैं। तीनों मिलकर एक मिशन पर निकलते हैं। फिल्म में जैकी श्रॉफ को भी एक बुरी शक्ति के रूप में दिखाया गया है जिसका नाम है आत्माराम। ये फिल्म एक बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी के रूप में दर्शकों के लिए पेश की जाएगी। फिल्म में कॉमेडी आइटम सॉन्ग के अलावा कुछ गंभीर क्षण को भी देखे जा सकते हैं। वहीं फिल्म में कैटरीना कैफ को एक जगह खराब हिंदी को लेकर भी एक कमेंट करते हुए देखा जा सकता है। ट्रेलर में शिवा चड्ढा भूत के रूप में नजर आती हैं, जो मोक्ष कहने में असमर्थ है। तभी कैटरीना, जो मर चुकी है, वो कहती है, तुम्हारी हिंदी कमजोर है। ट्रेलर में कई जगहों पर पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की कुछ झलकियां भी देखी जा सकती है जिसमें कोई मिल गया और सिद्धार्थ की 2019 की फिल्म गली बॉय शामिल है। जानवरों का अंदाज है कि भूलभुलैया 2 की सफलता के बाद इस जॉनर की फिल्म को भी दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। फोन बूथ का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है। इसका निर्माण स्केलर एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है। 4 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए ये फिल्म पूरी तरह तैयार है। रेस दे पीछे। ए भाई साइड में ना। भाई 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 गाड़ी काटा बोल पे पीछे भाई यहाँ पे भाई सेंटर भाई यहाँ पे भाई भाई यहाँ पे यहाँ पे इधर भाई यहाँ पे आपके सेंटर भाई भाई यहाँ पे अरे हाथ खाली करो भाई भाई रोड भाई भाई इधर भाई यहाँ पे भाई रुक जाओ भाई यहाँ पे सेंटर आपके सिद्धांत सेंटर इधर भाई इधर भाई यहाँ पे सिद्धांत करो भाई यहाँ पे सिद्धांत भाई सेंटर सिद्धांत भाई यहाँ पे यहाँ से आग लगा देगा मुंह में घुस गया पूरा सर थोड़ा राइट में आ जाओ ना पीछे ट्रेलर सर यहाँ रुक जा रुक जा
लिए यार। दादा एक ना बड़ा दादा एक एक मिनट दादा दादा एक मालूम है चल पैदा हुआ ए भाई अंदर रहे ना पीछे रहो रे पीछे आ तेरे बाजू वाले का भाई अंदर है कैटरीना जी मैम कहां आगे जा रहे हो यार यहां पे मैम कैटरीना जी यहां पर कैटरीना मैं आ गया ओके and it's an amazing story. Lovely. Farhan, I have a question for you. I've seen the trailer, but I still want to know, how would you define the genre of this film?
Normally, आपने सुना होगा कि first hello everyone, thank you. Yeah, the other one absolutely hates it. And then what do you do if that happens? I think normally people would do the arm wrestle. पंजा लड़ते हम लोग और जो जीतता है उसकी बात नहीं सुनी जाती. वो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. आप सोचिए इसके बारे में. Gurmeet, my man, how does it feel? Your film is coming out. Firstly, how does it feel? Are you very excited? Very. Crime and violence. This film has a lot of ghosts and horror. So my question is, what is wrong with you? What is आप ऐसे टॉपिक्स क्यों चूज कर रहे हो? You are actually right. मेरे माँबाप भी बहुत. भूतनी बन कैटरीना कैफ ने ईशान सिद्धार्थ की नाक में किया दम. फोन बूथ का जबरदस्त ट्रेलर हुआ रिलीज. कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ का ट्रेलर रिलीज हो गया है जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. इस फिल्म में जहां सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर भूत बस्टर का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कैटरीना कैफ भूतनी बनकर सबके दिलों को जीत रही है. फिल्म में कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी दर्शकों को काफी लुभा रही है. वहीं फोन बूथ में एक्टर जैकी श्रॉफ नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं. गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर रहा है. यहां देखें कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की फिल्म फोन बूथ के ट्रेलर को ट्विटर पर कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं. फोन बूथ के ट्रेलर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, जबरदस्त कैटरीना, बहुत अच्छी लग रही है, वह इस फिल्म में सबसे प्यारी भूत लग रही है. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, फोन भूत का एनर्जेटिक ट्रेलर को काफी एंजॉय किया. कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी स्क्रीन पर काफी अच्छी लग रही है. जबरदस्त प्रोमो, 4 नवंबर का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है. एक और यूजर ने फिल्म के ट्रेलर पर जबरदस्त रिएक्शन देते हुए लिखा, ट्रेलर रिलीज हो गया है, फिल्म को लेकर कमेंट सब कुछ कर रहे हैं, भारतीय सिनेमा की सबसे चहेती एक्ट्रेस. फोन भूत की बात करें तो कैटरीना कैफ इस फिल्म में ऐसी भूत बनी है जो आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की मदद लेती है. बता दें कि फिल्म में ईशान और सिद्धांत के पास ऐसी शक्ति है जिसमें वह भूतों को देख सकते हैं. वहीं आत्माराम बने जैकी श्रॉफ फोन भूत में कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ को कड़ी टक्कर देंगे. बता दें कि गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित ये फिल्म 4 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ग्लैमरस भूतनी बन कैटरीना कैफ ने ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी को किया अपने भूतिया बिजनेस प्लान में शामिल. ट्रेलर में मिली भयानक कॉमेडी की झलक. जब से दर्शकों ने कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर स्टारर फोन बूथ का पहला पोस्टर देखा है, दर्शक फिल्म की और झलक पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उन्हें लंबे समय तक इंतजार न करने के बाद आखिरकार इस सबसे बहुप्रतीक्षित कॉमेडी ऑफ हॉरर का ट्रेलर जारी हो चुका है और हम गारंटी देते हैं कि यह भूतिया ट्रेलर है जो इस साल का सबसे मजेदार ट्रेलर होगा. फोन बूथ पिछले काफी समय से शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां फिल्म दर्शकों के लिए अपनी दिलचस्प शैली की कॉमेडी ऑफ हॉरर के लिए बातचीत कर रही है. वहीं इसने कैटरीना कैफ को पहली बार सबसे सुंदर भूत के रूप में देखने के लिए भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है. अंत में इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि निर्माता हमें इसके भयानक रोमांच की एक झलक देने के लिए ट्रेलर के साथ यहाँ है, जो बहुत सारे प्रफुल्लित करने वाले और मजेदार क्षणों से भरपूर है. ट्रेलर वास्तव में अपनी तरह का एक है जिसे दर्शक इस साल देखेंगे, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान को भूत शिकारी की भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है. जबकि वे दुनिया की सबसे खूबसूरत भूत कैटरीना कैफ से मिलते हैं और वे पूरी तरह से एक व्यवसाय के साथ एक मजेदार और भयानक यात्रा पर जाते हैं. ट्रेलर में इतना मजा आता है कि दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि जहां एक तरफ वे कैटरीना को खुद का मजाक उड़ाते हुए देखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वे कई भयावह अनुभवों के बीच हंसी के ठहाकों का अनुभव करेंगे. इसके अलावा फोन बूथ एक और कॉमेडी ऑफ हॉरर होगी जिसे दर्शक इस साल ब्लॉकबस्टर भूलभुलैया 2 के बाद देखेंगे. हालांकि दर्शकों ने इस दिलचस्प और मजेदार शैली के लिए अपार प्यार दिखाया है. हम उम्मीद कर सकते हैं फोन बूथ इसका एक होगा. ऐसी फिल्में जिन्हें देखना वाकई मजेदार होगा. असल में कहा जाए तो फोन बूथ कोई हॉरर कॉमेडी नहीं है,
बल्कि यह कॉमेडी ऑफ हॉरर है। ये एक क्रेजी मजेदार रोमांस से भरा है जो पॉप कल्चर और फिल्म के सिचुएशन के साथ जाता है और भूतों और परिहास की एक अलग दुनिया बनाने के लिए अपने साथ लेकर चलता है। फिल्म का टोन इंटरैक्टिव है जिसमें किरदार चौथी दीवार को तोड़ते हैं और दर्शकों को मजाक और रोमांस से डुबोते हैं। असल में बात की जाए तो यह अच्छाई बनाम बुराई की कहानी है। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित और रवि शंकरन और जसविंदर सिंह बाद द्वारा लिखित फोन बूथ एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है जिसके प्रमुख रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर है। ये फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। भूत कैटरीना कैफ के साथ भूत पकड़ने निकले सिद्धार्थ और ईशान। कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर फोन बूथ का ट्रेलर आउट हो गया है। ट्रेलर में कैटरीना कैफ को एक भूत के रूप में दिखाया गया है, वहीं ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी भूत पकड़ने वाले बने हुए हैं। तीनों मिलकर एक मिशन पर निकलते हैं। फिल्म में जैकी श्रॉफ को भी एक बुरी शक्ति के रूप में दिखाया गया है जिसका नाम है आत्माराम। ये फिल्म एक बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी के रूप में दर्शकों के लिए पेश की जाएगी। फिल्म में कॉमेडी आइटम सॉन्ग के अलावा कुछ गंभीर क्षण को भी देखे जा सकते हैं। वहीं फिल्म में कैटरीना कैफ को एक जगह खराब हिंदी को लेकर भी एक कमेंट करते हुए देखा जा सकता है। ट्रेलर में शिवा चड्डा भूत के रूप में नजर आती हैं जो मोक्ष कहने में असमर्थ है। तभी कैटरीना जो मर चुकी है वो कहती है, तुम्हारी हिंदी कमजोर है। ट्रेलर में कई जगहों पर पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की कुछ झलकियां भी देखी जा सकती है जिसमें कोई मिल गया और सिद्धार्थ की 2019 की फिल्म गली बॉय शामिल है। जानवरों का अंदाज है कि भूलभुलैया 2 की सफलता के बाद इस जॉनर की फिल्म को भी दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। फोन बूथ का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है। इसका निर्माण स्केलर एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है। 4 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए ये फिल्म पूरी तरह तैयार है। आगे मत जाओ यार। ए भाई अंदर रहना। पीछे रहो रे। पीछे रहो तेरे पास वाले को। भाई ये अंदर है। कैटरीना जी। मैं कहाँ आगे जा रहे हो यार? यहाँ पे। मैम। कैटरीना जी यहाँ पर। Thank you, man.
तांबे चंकी सर, चंकी सर चंकी सर लुक सर यहाँ ऊपर ऊपर सर यहाँ पे डॉन नाइस मूवी सर। भूतनी बन कैटरीना कैफ ने ईशान सिद्धार्थ की नाक में किया दम। फोन बूथ का जबरदस्त ट्रेलर हुआ रिलीज। कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। इस फिल्म में जहां सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर भूत बस्टर का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कैटरीना कैफ भूतनी बनकर सबके दिलों को जीत रही है। फिल्म में कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी दर्शकों को काफी लुभा रही है। वहीं फोन बूथ में एक्टर जैकी श्रॉफ नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर रहा है। यहां देखें कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की फिल्म फोन बूथ के ट्रेलर को ट्विटर पर कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं। फोन बूथ के ट्रेलर, एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, जबरदस्त कैटरीना, बहुत अच्छी लग रही है, वह इस फिल्म में सबसे प्यारी भूत लग रही है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, फोन भूत का एनर्जेटिक ट्रेलर को काफी एंजॉय किया, कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी स्क्रीन पर काफी अच्छी लग रही है, जबरदस्त प्रोमो, 4 नवंबर का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। एक और यूजर ने फिल्म के ट्रेलर पर जबरदस्त रिएक्शन देते हुए लिखा, ट्रेलर रिलीज हो गया है, फिल्म को लेकर कमेंट सब कुछ कर रहे हैं, भारतीय सिनेमा की सबसे चहेती एक्ट्रेस। फोन भूत की बात करें तो कैटरीना कैफ इस फिल्म में ऐसी भूत बनी है जो आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की मदद लेती है। बता दें कि फिल्म में ईशान और सिद्धार्थ के पास ऐसी शक्ति है जिसमें वह भूतों को देख सकते हैं। वहीं आत्माराम बने जैकी श्रॉफ फोन भूत में कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ को कड़ी टक्कर देंगे। बता दें कि गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित ये फिल्म 4 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ग्लैमरस भूतनी बन कैटरीना कैफ ने ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी को किया अपने भूतिया बिजनेस प्लान में शामिल। ट्रेलर में मिली भयानक कॉमेडी की झलक। जब से दर्शकों ने कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर स्टारर फोन बूथ का पहला पोस्टर देखा है, दर्शक फिल्म की और झलक पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लंबे समय तक इंतजार न करने के बाद आखिरकार इस सबसे बहुप्रतीक्षित कॉमेडी ऑफ हॉरर का ट्रेलर जारी हो चुका है, और हम गारंटी देते हैं कि यह भूतिया ट्रेलर है जो इस साल का सबसे मजेदार ट्रेलर होगा। फोन बूथ पिछले काफी समय से शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां फिल्म दर्शकों के लिए अपनी दिलचस्प शैली की कॉमेडी ऑफ हॉरर के लिए बातचीत कर रही है। वहीं इसने कैटरीना कैफ को पहली बार सबसे सुंदर भूत के रूप में देखने के लिए भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। अंत में इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि निर्माता हमें इसके भयानक रोमांच की एक झलक देने के लिए ट्रेलर के साथ यहाँ है, जो बहुत सारे प्रफुल्लित करने वाले और मजेदार क्षणों से भरपूर है। ट्रेलर वास्तव में अपनी तरह का एक है जिसे दर्शक इस साल देखेंगे, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान को भूत शिकारी की भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है, जबकि वे दुनिया की सबसे खूबसूरत भूत कैटरीना कैफ से मिलते हैं और वे पूरी तरह से एक व्यवसाय के साथ एक मजेदार और भयानक यात्रा पर जाते हैं। ट्रेलर में इतना मजा आता है कि दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि जहां एक तरफ वे कैटरीना को खुद का मजाक उड़ाते हुए देखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वे कई भयावह अनुभवों के बीच हंसी के ठहाकों का अनुभव करेंगे। इसके अलावा फोन बूथ एक और कॉमेडी ऑफ हॉरर होगी, जिसे दर्शक इस साल ब्लॉकबस्टर भूल भुलैया 2 के बाद देखेंगे। हालांकि दर्शकों ने इस दिलचस्प और मजेदार शैली के लिए अपार प्यार दिखाया है।
हम उम्मीद कर सकते हैं फोन बूथ इसका एक होगा। ऐसी फिल्में जिन्हें देखना वाकई मजेदार होगा। असल में कहा जाए तो फोन बूथ कोई हॉरर कॉमेडी नहीं है, बल्कि यह कॉमेडी ऑफ हॉरर है। ये एक क्रेजी मजेदार रोमांस से भरा है जो पॉप कल्चर और फिल्म के सिचुएशन के साथ जाता है और भूतों और परिहास की एक अलग दुनिया बनाने के लिए अपने साथ लेकर चलता है। फिल्म का टोन इंटरैक्टिव है जिसमें किरदार चौथी दीवार को तोड़ते हैं और दर्शकों को मजाक और रोमांस से डुबोते हैं। असल में बात की जाए तो यह अच्छाई बनाम बुराई की कहानी है। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित और रवि शंकरन और जसविंदर सिंह बाद द्वारा लिखित फोन बूथ एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जिसके प्रमुख रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर है। ये फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। भूत कैटरीना कैफ के साथ भूत पकड़ने निकले सिद्धार्थ और ईशान। कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर फोन बूथ का ट्रेलर आउट हो गया है। ट्रेलर में कैटरीना कैफ को एक भूत के रूप में दिखाया गया है, वहीं ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी भूत पकड़ने वाले बने हुए हैं। तीनों मिलकर एक मिशन पर निकलते हैं। फिल्म में जैकी श्रॉफ को भी एक बुरी शक्ति के रूप में दिखाया गया है जिसका नाम है आत्माराम। ये फिल्म एक बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी के रूप में दर्शकों के लिए पेश की जाएगी। फिल्म में कॉमेडी आइटम सॉन्ग के अलावा कुछ गंभीर क्षण को भी देखे जा सकते हैं। वहीं फिल्म में कैटरीना कैफ को एक जगह खराब हिंदी को लेकर भी एक कमेंट करते हुए देखा जा सकता है। ट्रेलर में शिवा चड्ढा भूत के रूप में नजर आती हैं, जो मोक्ष कहने में असमर्थ है। तभी कैटरीना, जो मर चुकी है, वो कहती है, तुम्हारी हिंदी कमजोर है। ट्रेलर में कई जगहों पर पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की कुछ झलकियाँ भी देखी जा सकती है, जिसमें कोई मिल गया और सिद्धार्थ की 2019 की फिल्म गली बॉय शामिल है। जानवरों का अंदाज है कि भूलभुलैया 2 की सफलता के बाद इस जॉनर की फिल्म को भी दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। फोन बूथ का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है। इसका निर्माण स्केलर एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है। 4 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए ये फिल्म पूरी तरह तैयार है। Was the like how did you guys pick this script? What was exciting about this script for you guys? I have the mic. Good morning, everybody. So I think the most exciting thing of the script was just the world which was set in. So the writers, I think full credit to Ravi and Jassy. Yeah. When they came, they narrated the script, and I think their narration just blew us over. Okay. It is a very unique story, and you'll see it why. When you see the trailer, you'll know why. Yeah. So I think in its first narration itself, it just was something we said we have to go out and make this film. So it was like very instinctive, and it's an amazing story. Lovely. Farhan, I have a question for you. I've seen the trailer, but I still want to know, how would you define the genre of this film? Normally, aapne suna hoga ki, firstly, hello everyone. Thank you so much for being here. You normally have heard of horror comedy, you've heard of, but this is a comedy of horrors. Is basically how I would define this genre. Comedy of horrors. And I have one more question for the two of you. You guys are the boys who started Excel Entertainment, but it's a two-man team. So aisa kabhi hota hai that one of you really likes the script or the idea and the other one absolutely hates it? And then what do you do if that happens? I think whenever there's a disagreement, we do what I think normally people would do. We arm wrestle. Panja ladate hum log. Aur jo jeetta hai, uski baat nahi suni jaati. So it's very confusing. Aap soche iske bare mein. Gurmeet, my man, how does it feel? Your film is coming out. Firstly, how does it feel? Are you very excited? Very, very excited. Very nervous, very anxious, but very excited. Very excited. I have to ask you something. You know, iske pehle aapne Mirzapur banaya, which has a lot of crime and violence. This film has a lot of ghosts and horror. So my question is, what is wrong with you? What is, aap aise topics kyun choose kar rahe ho? You're actually right. Mere maa-baap bhi bahut परेशान है इस चीज़ से. एक्चुअली मेरे पापा ने बिठा के बोला कि बेटा पॉजिटिविटी पे कुछ सोचो, कुछ पॉजिटिव लिखो, पॉजिटिव बातें करो, यू नो, पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ. तो फोन बूथ में जो हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं वो इतने पॉजिटिव है कि उनको कुछ बुरा दिखता ही नहीं है. तो उनको भूत भी पसंद आते हैं, उनसे भी प्यार होता है. तो दे आर इन लव विद नॉट ओनली लाइफ बट ऑल्सो दी आफ्टर लाइफ. इफ आई कैन जस्ट ऐड, बात यह है कि मिर्जापुर में गुरु ने इतने लोगों को मारा है, कितनी जाने ली उसने, उनके भूत मंडरा रहे थे बहुत टाइम से. तो वो सब उसे कह रहे थे, यार अब तुमने तो मेरा मिर्जापुर में करियर खत्म कर लिया, मैं क्या करूं. तो उससे कास्ट कर लिया इन सबको,
इस फिल्म में, इसलिए वो भूत की कहानी ढूंढ रहा था. Isn't that right? Absolutely. And pan India के भूत है इसमें. And Gurmeet, one more question for you. What is the best thing and the worst thing about being a film director? Farhan, I'm sure you also have an answer for this. Very deep question. It is. So I think the best thing is कि शायद director को कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि सब लोग बोलते हैं there's somebody for every job. The director has nothing to do. And that is also the flip side of it. Because if the director doesn't do anything, then how does he justify what he's there for? I'm standing here because I don't... Thank you so much, guys. I can request you guys to take your seats. Give it up for Farhan, Ritesh and Gurmeet, everyone. All right, now, are you guys ready to meet the cast of the movie? Hi. Looking super slick and handsome. Thank you so much. All so of you. So are you. I was called so that one average person is on stage. You know, average looking, so they can tell the difference. Oh, it's a good shirt. I like it. Yes, I have got approval from Katrina Kaif. I am done for the evening. I don't know, I'm saying evening for a morning. But thank you so much for coming out. I have a couple of questions for you guys. Number one, Ishan, firstly, I want to ask you something. XL is known for making these buddy films, right? Dil Chahta Hai Main Teen Dost Goa Gaye. Okay, Zindagi Na Mile Gaya Main Teen Dost Europe Gaye. Is film mein aap teeno kahan ja rahe ho? First of all, namaskar, adab, hello everyone. It's so good to be in a theater which is packed and we're here to share our trailer today, so we're super excited. Badi film mein bahut banate hain, bahut badi badi film mein banate hain. Lekin is baar galti ho gayi. No, our film is a very unique, different comedy of horrors, like sir already set up for us. And hum is film mein travel kar rahe hain into the gates of hell, which is ruled by Jaggu Dada. I won't want to reveal much more than that. Lekin hum ek tantric ke lair tak travel kar rahe hain. Toh ye thodi alag type ki travel film hai. Interesting. Everybody can't wait to watch the trailer. Sid, I have a question for you also. Inside Edge ke liye, you learned, I mean, you know cricket, but you learned how to bowl properly. For Gully Boy, you learned how to rap. Is film ke liye kya seekha? Tennis. Badminton sikhaya maine. Badminton sikhaya maine. You taught her? That wasn't for the film. That was just for exercise. Mera mic nahi chal raha. Chal raha. Awaaz aa rahi hai piche tak. Abhi aa. To chillao na. Thank you. Maine to pata nahi, but ma'am se maine bahut kuch seekha. Katrina se. The way she ghosted us, you know, all the single boys out there after a marriage. Is that, I think, what I learned about. Katrina, first film after getting married. Is there any difference? How do you feel? No, it's amazing. I mean, the best thing is that now I can... Us? Yeah, of course. It's the best thing. No, it's wonderful, really. It's wonderful being married. And the first person I could show the trailer to was, of course, my husband and get a response, like, how do you like it? So that was... Vicky Kaushal fans in the house. Yeah, Vicky's here. So lovely. That's fun, yeah. Amazing. Very excited to see the trailer. You guys can take your seats as we play the trailer. Thank you so much. Oh, sorry. Before yes, I have to call the main person. You already mentioned it. But guys, since he mentioned Jaggu Dada and Jackie Shroff, this day will be incomplete if we don't have him over here, right? So we have him waiting. Do you guys want him to come on stage? Yes. Can we have a big up? Yes. Bhootini Ban Katrina Kaif ne Ishan Siddharth ki naak mein kiya dam. Phone Booth ka zabardast trailer hua release. कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ का ट्रेलर रिलीज हो गया है जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। इस फिल्म में जहां सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर भूत बस्टर का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कैटरीना कैफ भूतनी बनकर सबके दिलों को जीत रही है। फिल्म में कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी दर्शकों को काफी लुभा रही है। वहीं फोन बूथ में एक्टर जैकी श्रॉफ नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर रहा है। यहां देखें कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की फिल्म फोन बूथ के ट्रेलर को ट्विटर पर कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं। फोन बूथ के ट्रेलर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, जबरदस्त कैटरीना, बहुत अच्छी लग रही है, वह इस फिल्म में सबसे प्यारी भूत लग रही है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, फोन भूत का एनर्जेटिक ट्रेलर को काफी एंजॉय किया, कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी स्क्रीन पर काफी अच्छी लग रही है, जबरदस्त प्रोमो, 4 नवंबर का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। एक और यूजर ने फिल्म के ट्रेलर पर जबरदस्त रिएक्शन देते हुए लिखा, ट्रेलर रिलीज हो गया है, फिल्म को लेकर कमेंट सब कुछ कर रहे हैं, भारतीय सिनेमा की सबसे चहेती एक्ट्रेस,
फोन बूथ की बात करें तो कैटरीना कैफ इस फिल्म में ऐसी बूथ बनी है जो आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की मदद लेती है। बता दें कि फिल्म में ईशान और सिद्धांत के पास ऐसी शक्ति है जिसमें वह भूतों को देख सकते हैं। वहीं आत्माराम बने जैकी श्रॉफ फोन बूथ में कैटरीना, ईशान और सिद्धार्थ को कड़ी टक्कर देंगे। बता दें कि गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित ये फिल्म 4 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ग्लैमरस भूतनी बन कैटरीना कैफ ने ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी को किया अपने भूतिया बिजनेस प्लान में शामिल। ट्रेलर में मिली भयानक कॉमेडी की झलक। जब से दर्शकों ने कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर स्टारर फोन बूथ का पहला पोस्टर देखा है, दर्शक फिल्म की और झलक पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लंबे समय तक इंतजार न करने के बाद आखिरकार इस सबसे बहुप्रतीक्षित कॉमेडी ऑफ हॉरर का ट्रेलर जारी हो चुका है और हम गारंटी देते हैं कि यह भूतिया ट्रेलर है जो इस साल का सबसे मजेदार ट्रेलर होगा। फोन बूथ पिछले काफी समय से शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां फिल्म दर्शकों के लिए अपनी दिलचस्प शैली की कॉमेडी ऑफ हॉरर के लिए बातचीत कर रही है। वहीं इसने कैटरीना कैफ को पहली बार सबसे सुंदर भूत के रूप में देखने के लिए भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। अंत में इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि निर्माता हमें इसके भयानक रोमांच की एक झलक देने के लिए ट्रेलर के साथ यहाँ है, जो बहुत सारे प्रफुल्लित करने वाले और मजेदार क्षणों से भरपूर है। ट्रेलर वास्तव में अपनी तरह का एक है जिसे दर्शक इस साल देखेंगे, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान को भूत शिकारी की भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है, जबकि वे दुनिया की सबसे खूबसूरत भूत कैटरीना कैफ से मिलते हैं और वे पूरी तरह से एक व्यवसाय के साथ एक मजेदार और भयानक यात्रा पर जाते हैं। ट्रेलर में इतना मजा आता है कि दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि जहां एक तरफ वे कैटरीना को खुद का मजाक उड़ाते हुए देखेंगे तो वहीं दूसरी तरफ वे कई भयावह अनुभवों के बीच हंसी के ठहाकों का अनुभव करेंगे। इसके अलावा फोन बूथ एक और कॉमेडी ऑफ हॉरर होगी जिसे दर्शक इस साल ब्लॉकबस्टर भूलभुलैया 2 के बाद देखेंगे। हालांकि दर्शकों ने इस दिलचस्प और मजेदार शैली के लिए अपार प्यार दिखाया है, हम उम्मीद कर सकते हैं फोन बूथ इसका एक होगा। ऐसी फिल्में जिन्हें देखना वाकई मजेदार होगा। असल में कहा जाए तो फोन बूथ कोई हॉरर कॉमेडी नहीं है, बल्कि यह कॉमेडी ऑफ हॉरर है। ये एक क्रेजी मजेदार रोमांस से भरा है जो पॉप कल्चर और फिल्म के सिचुएशन के साथ जाता है और भूतों और परिहास की एक अलग दुनिया बनाने के लिए अपने साथ लेकर चलता है। फिल्म का टोन इंटरेक्टिव है जिसमें किरदार चौथी दीवार को तोड़ते हैं और दर्शकों को मजाक और रोमांस से डुबोते हैं। असल में बात की जाए तो यह अच्छाई बनाम बुराई की कहानी है। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित और रवि शंकरन और जसविंदर सिंह बाद द्वारा लिखित फोन बूथ एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जिसके प्रमुख रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर है। ये फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। भूत कैटरीना कैफ के साथ भूत पकड़ने निकले सिद्धार्थ और ईशान। कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर फोन बूथ का ट्रेलर आउट हो गया है। ट्रेलर में कैटरीना कैफ को एक भूत के रूप में दिखाया गया है, वहीं ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी भूत पकड़ने वाले बने हुए हैं। तीनों मिलकर एक मिशन पर निकलते हैं। फिल्म में जैकी श्रॉफ को भी एक बुरी शक्ति के रूप में दिखाया गया है जिसका नाम है आत्माराम। ये फिल्म एक बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी के रूप में दर्शकों के लिए पेश की जाएगी। फिल्म में कॉमेडी आइटम सॉन्ग के अलावा कुछ गंभीर क्षण को भी देखे जा सकते हैं। वहीं फिल्म में कैटरीना कैफ को एक जगह खराब हिंदी को लेकर भी एक कमेंट करते हुए देखा जा सकता है। ट्रेलर में शिवा चड्ढा भूत के रूप में नजर आती हैं, जो मोक्ष कहने में असमर्थ है। तभी कैटरीना, जो मर चुकी है, वो कहती है, तुम्हारी हिंदी कमजोर है। ट्रेलर में कई जगहों पर पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की कुछ झलकियां भी देखी जा सकती है, जिसमें कोई मिल गया और सिद्धार्थ की 2019 की फिल्म गली बॉय शामिल है। जानवरों का अंदाज है कि भूलभुलैया 2 की सफलता के बाद इस जॉनर की फिल्म को भी दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है।
फोन बूथ का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है। इसका निर्माण स्केलर एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है। 4 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए ये फिल्म पूरी तरह तैयार है। सर लवली नाइस लुक थोड़ा लंबे से थोड़े लंबे से लो हाँ हाँ सर लवली लवली अरे अरे कितना बड़ा है अरे भाई हाथ तो हटाओ यार चलो अभी उधर भागने तक बात चली जाए नाइस कॉटन जैकेट दादा हाँ बाय हाँ सॉरी बाय बाबा चल बाबा आ रहा हूँ देखिए ब्रो थैंक यू थैंक यू सर एक्सक्यूज मी सर 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 रुके ना सर हाँ सर को लेट हो गया है सॉरी आई लोग आराम से वॉक थ्रू ले लेंगे अरे ए सनी ए सनी हटना नीचे खड़े हम लोग यहाँ पे खड़ा है तू पार्टी मांगे बाजू लो बाजू लो लवली 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 अरे चलो भाई अरे गिरा दिए भाई अरे पार्टी मांगो यार पीछे जाओ पीछे जाओ गिरा दिए भाई मेरे रितेश अरे बाबा बाबू लवली पार्टी है थोड़ा पार्टी है पार्टी All the best. Once again. Thank you. All the best. Struggle for the selfie. Struggle is real. Side. अरे रे 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 मोबाइल ही बाल डाल रहा है लवली आ गए सबके इसमें चलो ये गर्मी होगी भाई कुछ चलो चलो अरे कड़ा मूव ऑन दिस साइड
हेड हो जाओ रे आगे 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 सर वो गर्ल्स को फोटो दे दो ना धूप में खड़े थे लोग नहीं किसी को भी ब्लैक लेदर जैकेट में गर्मी होती है अरे यार कंटेंट म्यूट करना भाई अरे यार भाई भाई सॉरी सॉरी अरे लवली तेरा एक नंबर है भाई शुक्रिया चल बोल कैसा लगा पावर भाई 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 अरे भाई भाई रुको ना जरा ओह गर्ल्स को बोलना आप गुंडा आ गया भाई अरे 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 किधर गाइस गाइस मत हाँ बहुत रुकी है धूप में ये लोग कब से दे दो एक फोटो आए अरे बाबा उसको फोटो तो ले लीजिए आई कड़क लुक है एकदम भूतनी बन कैटरीना कैफ ने ईशान सिद्धार्थ की नाक में किया दम फोन बूथ का जबरदस्त ट्रेलर हुआ रिलीज कैटरीना कैफ ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ का ट्रेलर रिलीज हो गया है जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है इस फिल्म में जहां सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर भूत बस्टर का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं तो वहीं कैटरीना कैफ भूतनी बनकर सबके दिलों को जीत रही है फिल्म में कैटरीना ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी दर्शकों को काफी लुभा रही है वहीं फोन बूथ में एक्टर जैकी श्रॉफ नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर रहा है यहां देखें कैटरीना कैफ ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की फिल्म फोन बूथ के ट्रेलर को ट्विटर पर कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं फोन बूथ के ट्रेलर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा जबरदस्त कैटरीना बहुत अच्छी लग रही है वह इस फिल्म में सबसे प्यारी भूत लग रही है वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा फोन भूत का एनर्जेटिक ट्रेलर को काफी एंजॉय किया कैटरीना ईशान और सिद्धार्थ की तिकड़ी स्क्रीन पर काफी अच्छी लग रही है जबरदस्त प्रोमो 4 नवंबर का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है एक और यूजर ने फिल्म के ट्रेलर पर जबरदस्त रिएक्शन देते हुए लिखा ट्रेलर रिलीज हो गया है फिल्म को लेकर कमेंट सब कुछ कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की सबसे चहेती एक्ट्रेस फोन भूत की बात करें तो कैटरीना कैफ इस फिल्म में ऐसी भूत बनी है जो आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की मदद लेती है बता दें कि फिल्म में ईशान और सिद्धांत के पास ऐसी शक्ति है जिसमें वह भूतों को देख सकते हैं वहीं आत्माराम बने जैकी श्रॉफ फोन भूत में कैटरीना ईशान और सिद्धार्थ को कड़ी टक्कर देंगे बता दें कि गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित ये फिल्म 4 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ग्लैमरस भूतनी बन कैटरीना कैफ ने ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी को किया अपने भूतिया बिजनेस प्लान में शामिल ट्रेलर में मिली भयानक कॉमेडी की झलक जब से दर्शकों ने कैटरीना कैफ सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर स्टारर फोन बूथ का पहला पोस्टर देखा है दर्शक फिल्म की और झलक पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उन्हें लंबे समय तक इंतजार न करने के बाद आखिरकार इस सबसे बहुप्रतीक्षित कॉमेडी ऑफ हॉरर का ट्रेलर जारी हो चुका है और हम गारंटी देते हैं कि यह भूतिया ट्रेलर है जो इस साल का सबसे मजेदार ट्रेलर होगा फोन बूथ पिछले काफी समय से शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है जहां फिल्म दर्शकों के लिए अपनी दिलचस्प शैली की कॉमेडी ऑफ हॉरर के लिए बातचीत कर रही है वहीं इसने कैटरीना कैफ को पहली बार सबसे सुंदर भूत के रूप में देखने के लिए भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है अंत में इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि निर्माता हमें इसके भयानक रोमांच की एक झलक देने के लिए ट्रेलर के साथ यहाँ है
जो बहुत सारे प्रफुल्लित करने वाले और मजेदार क्षणों से भरपूर है। ट्रेलर वास्तव में अपनी तरह का एक है जिसे दर्शक इस साल देखेंगे, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान को भूत शिकारी की भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है। जबकि वे दुनिया की सबसे खूबसूरत भूत कैटरीना कैफ से मिलते हैं और वे पूरी तरह से एक व्यवसायी के साथ एक मजेदार और भयानक यात्रा पर जाते हैं। ट्रेलर में इतना मजा आता है कि दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि जहां एक तरफ वे कैटरीना को खुद का मजाक उड़ाते हुए देखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वे कई भयावह अनुभवों के बीच हंसी के ठहाकों का अनुभव करेंगे। इसके अलावा फोन बूथ एक और कॉमेडी ऑफ हॉरर होगी जिसे दर्शक इस साल ब्लॉकबस्टर भूलभुलैया 2 के बाद देखेंगे। हालांकि दर्शकों ने इस दिलचस्प और मजेदार शैली के लिए अपार प्यार दिखाया है। हम उम्मीद कर सकते हैं फोन बूथ इसका एक होगा। ऐसी फिल्में जिन्हें देखना वाकई मजेदार होगा। असल में कहा जाए तो फोन बूथ कोई हॉरर कॉमेडी नहीं है, बल्कि यह कॉमेडी ऑफ हॉरर है। ये एक क्रेजी मजेदार रोमांस से भरा है जो पॉप कल्चर और फिल्म के सिचुएशन के साथ जाता है और भूतों और परिहास की एक अलग दुनिया बनाने के लिए अपने साथ लेकर चलता है। फिल्म का टोन इंटरेक्टिव है जिसमें किरदार चौथी दीवार को तोड़ते हैं और दर्शकों को मजाक और रोमांस से डुबोते हैं। असल में बात की जाए तो यह अच्छाई बनाम बुराई की कहानी है। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित और रवि शंकरन और जसविंदर सिंह बाद द्वारा लिखित फोन बूथ एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जिसके प्रमुख रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर है। ये फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। भूत कैटरीना कैफ के साथ भूत पकड़ने निकले सिद्धार्थ और ईशान। कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टारर फोन बूथ का ट्रेलर आउट हो गया है। ट्रेलर में कैटरीना कैफ को एक भूत के रूप में दिखाया गया है, वहीं ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी भूत पकड़ने वाले बने हुए हैं। तीनों मिलकर एक मिशन पर निकलते हैं। फिल्म में जैकी श्रॉफ को भी एक बुरी शक्ति के रूप में दिखाया गया है जिसका नाम है आत्माराम। ये फिल्म एक बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी के रूप में दर्शकों के लिए पेश की जाएगी। फिल्म में कॉमेडी आइटम सॉन्ग के अलावा कुछ गंभीर क्षण को भी देखे जा सकते हैं। वहीं फिल्म में कैटरीना कैफ को एक जगह खराब हिंदी को लेकर भी एक कमेंट करते हुए देखा जा सकता है। ट्रेलर में शिवा चड्ढा भूत के रूप में नजर आती हैं, जो मोक्ष कहने में असमर्थ है। तभी कैटरीना, जो मर चुकी है, वो कहती है, तुम्हारी हिंदी कमजोर है। ट्रेलर में कई जगहों पर पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की कुछ झलकियां भी देखी जा सकती है, जिसमें कोई मिल गया और सिद्धार्थ की 2019 की फिल्म गली बॉय शामिल है। जानवरों का अंदाज है कि भूलभुलैया 2 की सफलता के बाद इस जॉनर की फिल्म को भी दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। फोन बूथ का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है। इसका निर्माण स्केलर एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है। 4 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए ये फिल्म पूरी तरह तैयार है।